बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। दर्द जो तेरे दुल्हा, दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नास, पर आस ना छोड़े जीव को करने तुम बिलास। सन्मंध मूल को, सन्मंध मूल को, सन्मंध मूल को ने तो पाव पल छोड़ियो न जाए, मैं तो पाव पल छोड़ियो न जाए। अब छल बल मोहे कहा करे, अब छल बल मोहे कहा करे, अब छल बल मोहे कहा करे, अब छल बल मोह कहा करे। मोह आदति दियो उड़ाए, सन्मंध मूल को, सन्मंध मूल को। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नास, दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नास, पर आस न छोड़े जी आस न छोड़े जीव को करने तुम विला। सन्मंध मूल को, सन्मंध मूल को ने तो पाव पल छोड़ियो न जाए, पल छोड़ियो न जाए। सन्मंध मूल को, कहावत हो सुहागनी जो बिरहन देऊं जियो, मैं कहावत हो सुहागनी जो जो बिरहन देऊं जियो, तो पीछे वतन जाए के, तो पीछे वतन जाए क्यों देखाऊं
मुख पियो सनमंध मूल को सनमंध मूल को जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़ो अंग जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़ो संग जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़ो संग तब तुम पर्दा टाल के है तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग सनमंध मूल को सनमंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए सनमंध मूल को जीवरा भी मेरा रख्या तुम कारज भी कारण जीवरा भी मेरा रख्या तुम कारज भी कारण आस भी पूरी सुहागनी आस भी पूरी सुहागनी और बद भी राख्यो बिरहिं सनमंध मूल को सनमंध मूल को तुम आए सब आया दुख गया सब दूर तुम आए सब आया दुख गया सब दूर तुम आए सब आया दुख गया सब दुख गया सब दूर तुम आए सब आया दुख गया सब कहे महामती ए सुख क्यों कहूँ कहे महामत ए सुख क्यों कहूँ जोतया मूल अंकुर सनमंध मूल को सनमंध मूल को तो पाँव पल छोड़ियो न जाए मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए अब छल बल मोहे कहा करे
अब छल बल मोहे कहा करे, मोह आदत दियो उड़ाए। सनमंद मूल को सनमंद मूल को सनमंद मूल को श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सद्गुरु महाराज। श्री महामति कहे ए साथ जी, ए मेहर है हक, जैसा ईमान जिनका होत तिन माफक, होत तिन माफक। दोनों स्वरूपों का मिलाप। श्री देवचंद्र जी के अमल में साथ को सुख हुआ अंग। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्राणधार सुंदर साहब जी। कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से श्री देवचंद्र जी को अक्षरातीत श्री राज जी का दर्शन हुआ, कैसे उनके द्वारा तारतम की पहली चौपाई अवतरित हुई, किस तरह से पहले सुंदर साथ की जागनी हुई और जागनी का क्रम आगे चला, उसके पश्चात हमने वेद और कतेव पक्षों की अर्थात कुरान और पुराणों की साक्षी के विषय में चर्चा की। अब आगे महामती जी कह रहे हैं कि श्री देवचंद्र जी के अमल में साथ को सुख हुआ अंग। दोनों स्वरूपों के मिलाप का प्रसंग है कि किस तरह से श्री मिहिरराज जी और श्री देवचंद्र जी का मिलाप होना है, और उससे पहले की भूमिका बांध रहे हैं कि देवचंद्र जी के समय में अर्थात उनके तन से जब जागनी की लीला की शुरुआत हुई तो उस समय सभी सुंदर साथ के अंग में अर्थात उनके हृदय में उनके अंतःकरण में सुख हुआ, क्योंकि उनकी चर्चा सुनते हुए श्री देवचंद्र जी की चर्चा सुनते हुए सुंदर साथ को जो अनुभव होते थे, जैसा वर्णन करते जाते थे, उस दृश्य को सुंदर साथ प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर पाते थे। जैसे ब्रज की लीलाओं का वर्णन किया तो ब्रज वाले स्वरूप का दर्शन होता था, रास की लीला की चर्चा सुनते हुए रास की रामतों का रास की लीलाओं का दर्शन होता था, परम धाम की जब चर्चा करते थे तो सुंदर साथ को परम धाम का दर्शन होता था, यमुना जी का वर्णन करते थे तो सुंदर साथ को यमुना जी बहती हुई प्रतीत होती थी। तो इसीलिए उनकी चर्चा सुनते हुए सुंदर साथ के हृदय में उमंग समा नहीं रहा था, इतना उन्हें सुख हो रहा था। और गांग जी भाई भी प्रत्येक दिन नित्य नए तरीकों से रसोई उत्सव इत्यादि करके सुंदर साथ और देवचंद्र जी की सेवा कर रहे थे। गांगजी भाई के अंदर ये धारणा है कि जो सुंदर साथ आ रहे हैं और परमधाम की चर्चा का लाभ ले रहे हैं श्री देवचंद्र जी के द्वारा, तो उनको माया वापस ना खींचे, इसलिए वो चाहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है, सबसे पहले मनुष्य भोजन के विषय में सोचता है। चाहे कोई व्यक्ति
आध्यात्मिक राह पर अग्रसर हो चाहे कोई व्यक्ति सांसारिक कार्यों में संलग्न हो, पहले वो भोजन की व्यवस्था करता है। कोई ध्यानी व्यक्ति भी होगा, हाँ कोई बहुत बड़ा योगी हो तो उसको लंबे समय तक भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अलग बात है। लेकिन जो साधारण साधुजन होते हैं वो भी भिक्षा मांग करके भी अपने भोजन के लिए व्यवस्था करते हैं। किसी साधु का कथन है, भूखे भजन न होए गोपाला। भूखा व्यक्ति भजन नहीं कर सकता है, वो ध्यान में अगर बैठेगा तभी उसकी पेट में जो गुड़गुड़ाहट होगी भूख के कारण, तो उसका ध्यान नहीं लग पाएगा। समत्व आहार की आवश्यकता होती है। हाँ, बहुत अधिक खाने के बाद ध्यान नहीं किया जा सकता, लेकिन उचित मात्रा में आहार की तो आवश्यकता होती है। तो गांगजी भाई ने सोचा कि सबसे पहले जो सुंदर साथ की चिंता है भोजन से संबंधित, उसको दूर किया जाए। बाकी जो चिंताएं हैं पूरे दिन चर्चा सुनने के बाद, अगर कोई थोड़े बहुत कार्य होंगे उसको किए जा सकते हैं, लेकिन अगर सुंदर साथ को चर्चा सुनते हुए ये चिंता सताती रहे कि घर जाना है, घर जाकर के भोजन बनाना है, लोग अपने परिवार वालों की व्यवस्था करनी है, तो चर्चा के समय में उनका ध्यान कम लगेगा। और अगर ध्यान से चर्चा नहीं सुनेंगे तो चर्चा का असर कम होगा और माया जो पहले से असर कर रही है वो असर कायम रहेगी। इसलिए गांगजी भाई ने उत्सव रसोई करना शुरू किया, अर्थात भंडारा करना शुरू किया, और उन उत्सवों के माध्यम से जो सुंदर साथ आते थे वो वहीं पर टिके रहते थे लंबे समय तक, और श्री देवचंद्र जी की चर्चा सुनते थे। और चर्चा में भी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कई प्रकार से चमत्कारी लीलाएं होती थी, जिन जिन लीलाओं का वर्णन करते थे उन लीलाओं का दर्शन होता था। तो एक बार जो सुंदर साथ आए वो उन चमत्कारिक लीलाओं के माध्यम से भी टिके रहे, श्री देवचंद्र जी के सानिध्य में बने रहे। अब कोई भी नया सुंदर साथ आता है, कोई भी, तो श्री देवचंद्र जी को अत्यंत सुख होता है। कहते हैं, कोई नया जो आवही बीच इन निजधाम, तो श्री देवचंद्र जी सुख पावही, सुकेता कहो इस ठाम। देवचंद्र जी को सुख इसलिए अनुभव होता है, अगर सांसारिक उदाहरण से समझें, कोई एक व्यक्ति है जो अपने प्रिय जन से अलग हुआ है, सर्वाधिक प्रिय जन से, तो उसको संसार की कोई भी सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा दे दीजिए, और उसकी तुलना में आप उनसे पूछिए कि आपको पूरे जीवन भर ये भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, या तो आप इसको स्वीकार कीजिए, या फिर आपका जो प्रियजन आपसे अलग हुआ है उसकी प्राप्ति होगी, वो तुम्हें मिल जाएगा। तो दोनों में से आपको एक चुनना है। तो जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से किसी को प्रेम करता होगा वह अपने प्रियजन को ही चुनेगा, क्योंकि जिससे हमारा प्रेम होता है, जिससे हमारा प्रेममयी संबंध होता है, उससे ऊपर सांसारिक भौतिक सुख सुविधाएं नहीं होती है। और प्रियजन के अथवा प्रेमी के साथ में होने पर सांसारिक जो कष्ट हैं वह भी आनंददायी अथवा सुखदायी लगते हैं। अब चूंकि राज जी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, तो ब्रह्म सृष्टियों से राज जी उतना ही प्रेम करते हैं। जब उन्होंने अपने आप को आशिक कहा, अपने आप को प्रियतम अथवा प्रेमी कहा, तो उनके लिए संसारिक कोई सुख सुविधाएं मायने नहीं रखती है। और जिस तन में राज जी लीला कर रहे हो उनके लिए सबसे अधिक सुखदायी बात ही यही है। इसीलिए इस प्रसंग से, इस एक चौपाई से हम सब सुंदर साथ को भी समझना चाहिए। हम सब सुंदर साथ ये चाहते हैं हृदय से कि हम राज जी को खुश करें, राज जी को रिझाएं। तो राज जी को रिझाने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? उनको रिझाने के लिए सबसे सरल उपाय ये है कि पहली बात, हम भी अपने हृदय में प्रेम लेकर के आएं, और जो दूसरी ब्रह्म सृष्टि
जिनको राज्य की पहचान नहीं है उनको राज्य तक पहुंचाएं, इससे उनको सर्वाधिक खुशी सर्वाधिक आनंद का अनुभव होगा। अब कहते हैं कोई नए साथ को लिया वहीं समझाए के दिन में तिन ऊपर राजी हो वहीं क्या नेकी करूं इनसे। देवचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि कोई भी सुंदर साथ किसी नए सुंदर साथ को लेकर के आता है तो उस सुंदर साथ के ऊपर भी इतना अधिक प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तुमने मेरे लिए जो इतना अच्छा कार्य किया है इसके लिए इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन आदर होवे तिनका ए धाम की सयन। जो भी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नए सुंदर साथ को लेकर के आती हैं तो उनका सम्मान होता है उनका आदर होता है क्योंकि देवचंद्र जी के मन में तो यही बात रहती है कि कोई नया सुंदर साथ आए कोई नई ब्रह्म सृष्टि आए। और देवचंद्र जी का कहना है कि इन भूम में देखिया साथ धनी श्रीधाम कौन व्रत इनसो करूं पूरो मनोरथ काम। देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा है राज्य भी विराजमान है लेकिन जो दूसरी ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो श्यामा जी हैं। वैसे तो आत्मा प्रयास नहीं करती लेकिन श्यामा जी जिस जीव के ऊपर विराजमान हैं वही श्यामा जी का भाव लेकर के सुंदर साथ की जागनी के लिए प्रयास कर रही हैं और कहती हैं कि जो भी सुंदर साथ आता है उन सुंदर साथ में धाम धनी को राज्य को देखते हैं और कहते हैं कि इनको मैं ऐसा क्या करूं, इनके साथ में ऐसा कैसा बर्ताव करूं जिससे कि मैं राज्य को रिझा सकूं। इनको तो श्री राज्य ने भेजा है और राज्य ने इसलिए भेजा है ताकि मैं इनको परम धाम की नियामत परम धाम का खजाना, यहाँ पर खजाने का तात्पर्य है परम धाम की चर्चा वहाँ का ज्ञान वहाँ की प्रेममय चितवनी रूपी खजाने से। और जो कोई भी सुंदर साथ आते हैं उनके लिए देवचंद्र जी कहते हैं कि इनको तो कोई भी शुद्ध नहीं है परम धाम की राज्य की शुद्ध नहीं है लेकिन मैं तो पहचानता हूँ, मुझे तो राज्य ने वो पहचान दी है। जैसा कि प्रकाशवाणी के अंदर इंद्रावती जी ने हम सब सुंदर साथ के लिए कहा कि आप कहियो अपने साथ को जो तुझे खुले वचन, शुद्ध तो नहीं कछु साथ को पर तो भी अपने सजन। अगर कोई नया व्यक्ति आता है उसको तो शुद्ध नहीं है लेकिन हमें तो राज्य ने अपनी पहचान दी है, हाँ हमारे तन से आवेशित लीला नहीं हो रही है तो हम किसी की शकल देख करके अथवा किसी के व्यवहार को देख करके ये नहीं पहचान कर सकते कि इसके अंदर ब्रह्म सृष्टि है अथवा जीव सृष्टि। इसलिए हमें व्यवहार कैसे करना है, जैसा कि सेवा पूजा की चौपाई में कहा, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए, कौन ब्रह्म सृष्टि है पता नहीं, तो इसलिए हमें व्यवहार ऐसा करना है कि सबके अंदर ब्रह्म सृष्टि है, सबको एक जैसा मान करके व्यवहार करना है। अब देवचंद्र जी सोचते हैं कि वैसे तो राज्य ने ये कहा है कि मुझे खोजने जाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, राज्य ने स्वयं कहा कि मैं ब्रह्म सृष्टियों को तुम्हारे पास भेजूंगा। क्योंकि जब देवचंद्र जी ने कहा धनी वे साथ कहाँ है, राज्य ने कहा था कहिया मैं भेजूं तमाम, मैं उन्हें आपके पास भेजूंगा, तो देवचंद्र जी ने अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे बाहर तो जाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जो सुंदर साथ यहाँ आ रहे हैं उनके लिए मुझे मेहनत करने की मुझे परिश्रम करने की आवश्यकता है क्योंकि मोको श्री धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ, हाथ पकड़ाने का तात्पर्य है इनकी जिम्मेदारी हमें सौंपी है, उन ब्रह्म सृष्टियों को जगाने का उत्तरदायित्व मुझे दिया है। तो इसलिए देवचंद्र जी प्रतिदिन चर्चा करते हैं, प्रतिदिन परम धाम की लीलाओं का वर्णन करके सुनाते हैं, प्रबोधित करने के लिए ब्रज और रास की लीला भी सुनाते हैं, इश्क रब्द के विषय में सुनाते हैं, इस तरह से चर्चा करते हैं। चमत्कारी लीलाओं के माध्यम से श्री राज जी जो उनके अंदर विराजमान है वो भी ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। अब इस क्रम में मिहिर राज्य की मुलाकात कैसे होती है उसकी भूमिका बांध रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है
वैसे तो चूंकि हम वर्षों से अभी तक सुनते आ रहे हैं, ये सामान्य ज्ञान है, सब जानते हैं कि मिहिर राज्य का जन्म संवत 1675 में हुआ था, केशव ठाकुर और धनबाई के पुत्र के रूप में। मरु का जीव है उनके अंदर, और उनके चार और भाई हैं। मिहिर राज्य के साथ में पांच भाई हैं, मिहिर राज्य के अतिरिक्त चार भाई हैं। तो 1675 से लेकर के अब जो प्रसंग चल रहा है वो प्रसंग है जब मिहिर राज्य 12 वर्ष और 2 महीने के हो चुके हैं। उस प्रसंग की शुरुआत कैसे होती है उसको बताते हुए श्री लालदास जी कह रहे हैं कि अजबाई एक सुंदर साथ हैं जो कि मेघबाई जी की भतीजी हैं, वो गांगजी भाई के घर में रहती हैं, क्योंकि गांगजी भाई के पुत्र श्याम जी से उनका विवाह हुआ था। और मेघबाई जो कि हरवंश ठाकुर जी मिहिर राज्य के भाई, उनके घर में आया करती थी, और उनके पास अजबाई आती हैं। इनका संबंध है, अजबाई जब आती हैं तो गांगजी भाई के घर में जो लीला होती है श्री देवचंद्र जी के तन के माध्यम से जो लीला हो रही है उस लीला का वर्णन करती हैं कि किस तरह से राज्य की कृपा वहां पर बरस रही है। अब पहली बार कोई भी सुनेगा तो लगेगा कि कैसी आश्चर्यदायी अथवा कैसी आश्चर्यजनक लीला है, जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है। तो इस बात को सुन करके, क्योंकि अजबाई ने वर्णन किया, कहा कि राजनित देवे दीदार आरोग्य बेर तीन, कहते हैं कि राजी प्रतिदिन दर्शन देते हैं और तीन बार आरोगते हैं, तीन बार भोग ग्रहण करते हैं, और जब भोजन ग्रहण करते हैं तो अगर किसी दिन नमक कम होता है तो भी कहते हैं कि आज नमक कम क्यों डाला है, अगर ज़्यादा होता है तो उसके लिए भी बताते हैं कि नमक ज़्यादा है। भोजन करने के पश्चात तांबुल पान बीड़ा इत्यादि स्वीकार करते हैं, और जब देवचंद्र जी यमुना जी का वर्णन करते हैं परम धाम की, तो यहाँ पर भी यमुना का जो जल है प्रवाहित होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। और एक दिन तो एक सुंदर साथ का हाथ जल गया था भोजन बनाते हुए कढ़ाई के कारण, तो राजी ने एक सोने की कसेड़ी उनको दी थी। तो कभी राजी कुछ देते हैं, कभी कुछ देते हैं। इस तरह की जब बात सुनी तो मेघबाई जी ने अपने देवर गोवर्धन जी को कहा कि गोवर्धन जी आप जाकर के देख आइए कि वास्तव में ऐसा होता है, क्योंकि उस समय में आज से लगभग 350-400 वर्ष पहले कोई किसी महिला को बाहर निकलने की इतनी अधिक छूट नहीं थी कि स्वयं जाकर के जांच कर सकें। तो उन्होंने कहा गोवर्धन जी को कि आप जाकर के जांच कीजिए। अब पद्मा जी जो कि गोवर्धन जी की पत्नी थी, उनकी तो संगति पहले से ही गांगजी भाई के घर में थी, उन्होंने भी इस घटना को देखा हुआ था, अनुभव किया था, तो उन्होंने भी आकर के कहा, वर्णन किया कि हाँ ऐसी लीला तो मैंने भी देखी है। तो ये बात सुन करके गोवर्धन जी गए, जा करके श्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ, और ये बात है संवत 1687 की। और यहाँ से मूल अंकुर के जागृत होने की भूमिका की शुरुआत होती है। अब एक दिन मिहिर राज जी के मिलने से पहले एक ऐसी घटना हुई कि देवचंद्र जी की चर्चा करने से पहले, अर्थात गांगजी भाई के घर में परमधाम की लीलाओं का वर्णन होने से पहले, वहाँ के जो कथावाचक थे उन कथावाचकों का जो व्यापार था वो धीरे धीरे बंद होता जा रहा था, क्योंकि देवचंद्र जी के पास भीड़ अधिक बढ़ने लगी थी। तो उन्होंने चुगली करवाया एक चुगलखोर के माध्यम से कि एक कायस्थ के घर में, कायस्थ अर्थात वैश्य जो व्यापारी हैं, एक कायस्थ के घर में मर्द और औरत, स्त्री पुरुष दोनों साथ में इकट्ठे होकर के बैठते हैं, और ऐसी घटना को पहले अच्छा नहीं माना जाता था।
आज भी जहाँ संकुचित विचारधारा है, जहाँ शिक्षा का प्रचार नहीं है, जहाँ नारी पुरुष में समानता की भावना नहीं है, तो वो लोग इस बात को उचित नहीं मानते। तो जब इस बात की शिकायत की गई तो उस कोतवाल ने दो सैनिकों को चुगलखोर के साथ भेज दिया कि जा करके तुम जांच करके आओ क्या बात है। चुगलखोर आता है सैनिकों को लेकर के, और उसने दूर से ही दिखाया कि वो जो दीपक जल रहा है, उस दीपक वाले घर में आप लोगों को जाना है, उसी घर में ये सब हो रहा है, यही उस कायस्थ का घर है। ऐसा कह करके चुगलखोर तो भाग गया, लेकिन ये जो दोनों सैनिक थे, दोनों सैनिक उस दीपक का पीछा करते हुए अर्थात उस दीपक के पास जाना चाह रहे थे। अब एक सैनिक तो पूरी रात कुएं की चारों तरफ परिक्रमा लगाता रहा, उसको लगा कि यहाँ पर दीपक है और चारों तरफ घूमता रहा, और दूसरा जो व्यक्ति था वह नौतनपुरी से 12 कोस दूर पहुँच गया उस दीपक का पीछा करते करते, और धरोल नाम के गांव में पहुँचा। वहाँ जाते जाते सुबह थोड़ा सा उजाला हुआ तो एक पनिहारन पानी भरने के लिए आई हुई थी, तो उसको पूछ लिया कि यहाँ पर गांगजी भाई का घर कौन सा है। तो उस महिला ने कहा कि यहाँ तो कोई गांगजी भाई नहीं रहते। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये नौतनपुरी नहीं है। उस महिला ने कहा कि नहीं, ये तो नौतनपुरी नहीं है, ये धरोल गांव है और ये मोहबड़ जी का शहर है ये। अब उस व्यक्ति ने सोचा, उस सैनिक ने, कि ये तो अच्छा हुआ कि मैं सुबह इस गांव में पहुंचा। अगर रात को अनजान स्थान में पहुंचा होता, मान लीजिए चोर समझ करके उसकी पिटाई हुई होती, तो वो व्यक्ति वापस लौट करके आया, सोचिए पूरी रात चल करके 12 कोस पहुंचा है, आया तो आने में भी उतना ही समय लगेगा। और जब अपने मित्र के पास पहुंचा, अपने मित्र को आप बीती बताई, तो उसने भी अपना दुखड़ा रोना शुरू किया कि मैं भी पूरी रात एक कुएं के चारों तरफ परिक्रमा करता रहा, सुबह उठा तो, सुबह जब उजाला हुआ तो पता चला कि मैं तो कुएं के चारों तरफ घूम रहा हूँ, ये तो परमात्मा की कृपा है कि मैं कुएं में नहीं गिरा। उस चुगलखोर ने तो हमें मरवा ही दिया था, अगर वो चुगलखोर मिलेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसको मार डालेंगे। अब इस तरह से कई प्रकार की चमत्कारी लीला हुई। श्री राज जी ने ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर आने वाले संकट को अपनी आड़ी का लीला से टाल दिया। अब गोवर्धन जी श्री देवचंद्र जी के पास उन्होंने जाना शुरू किया है। श्री देवचंद्र जी के द्वारा जो चर्चा होती है, उस चर्चा का जिक्र करते हैं अपने घर आकर के, कि ऐसी ऐसी आड़ी का लीला होती है। अब उस लीला का इतना सुंदर वर्णन सुन करके श्री मेहिर राज जी के मन में भी इस बात की जिज्ञासा होती है कि मैं भी देवचंद्र जी के दर्शन के लिए जाऊं। तो देव मिहिर राज जी ने कहा कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। गोवर्धन जी ने कहा कि देवचंद्र जी की अनुमति नहीं है और उनकी अनुमति के बिना मैं आपको लेकर के नहीं जा सकता हूं। और गोवर्धन जी वहां से चले गए। अब एक दिन मिहिर राज जी से रहा नहीं गया, उस दिन भी मिहिर राज जी ने कहा कि आप मुझे लेकर के चलिए, और रोते हुए हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके साथ साथ में चलने लग गए। लेकिन गोवर्धन जी चाहते हैं कि देवचंद्र जी की अनुमति के बिना लेकर के ना जाऊं, लेकिन मिहिर राज जी माने नहीं और वो भी रो करके पीछे लग गए कि मैं भी जा करके ही रहूँगा। अब वहाँ जब पहुँचे देवचंद्र जी के वहाँ गांगजी भाई के घर के बाहर, तो गोवर्धन जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर प्रतीक्षा करो, मैं सद्गुरु महाराज से अनुमति लेकर के आता हूँ। देवचंद्र जी के पास गए, प्रणाम किया और कहा कि सद्गुरु महाराज, मेरा एक भाई है जो कि 12 वर्ष का ही है अभी, और वो आपके पास आना चाहता है। मैंने सोचा कि अभी वो इस लायक नहीं हुआ कि आपकी चर्चा सुन सके, अभी वो छोटा ही है, इसलिए मैंने मना किया है। अगर आपकी आज्ञा हो, क्योंकि वो रोते हुए घर के बाहर तक आ चुका है, आपकी अनुमति हो तो मैं उसको अंदर लेकर के आता हूँ। श्री देवचंद्र जी ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया, पहले उनको आने की अनुमति दी और कहा कि ध्रुव, जिसके विषय में पुराणों में कथा आती है कि उसने तो भगवान जी को 5 वर्ष की अवस्था में ही प्राप्त कर लिया था, तो भक्ति की
कोई उम्र नहीं होती है। बचपन से बाल्य अवस्था से जो संस्कार बालक को दिए जाते हैं वही संस्कार आगे जाकर के दृढ़ हो जाते हैं। बच्चे को किसी नीतिज्ञ ने नीतिवान ने कच्ची मिट्टी की संज्ञा दी है, उस कच्ची मिट्टी से किसी भी तरह के बर्तन बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक बार मिट्टी के पक जाने के पश्चात उससे पुनः पात्र बनाना बर्तन बनाना संभव नहीं हो पाता है। वैसे ही किसी बालक को अगर भविष्य में जो बनाना है उसके लिए उनके अभिभावक को, चाहे माता हो, पिता हो अथवा आचार्य हो, उनको चाहिए कि बाल्य अवस्था से ही उन्हें ऐसी शिक्षा दें कि वो भविष्य में जाकर के वैसा बन पाएं जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहें कि बाल्य अवस्था में पूरी तरह से छूट दे दिया जाए और फिर भविष्य में जा करके जब वो किशोर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, अपने आप समझ जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। कोई विरला ऐसा होता है जो बाद में जा करके बड़ा होने के बाद समझता है, अन्यथा जो संस्कार बाल्य अवस्था में दिए जाते हैं वही बाद में दृढ़ हो जाते हैं। इसलिए भारतीय जो नीतिज्ञ हुए हैं, नीतिवान लोग हुए हैं, उन्होंने बालकों की शिक्षा के विषय में कहा कि लालयेत पंचवर्षाणी दस वर्षाणी ताड़यत प्राप्ते तु षोड़शे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। जब तक बालक 5 वर्ष का होता है तब तक उसको प्रेमपूर्वक उसके साथ व्यवहार करना चाहिए क्योंकि वो अभी ना समझ है। उसके बाद अगले 10 वर्ष तक अर्थात 5 साल से लेकर के 15 साल की अवस्था में 10 वर्ष तक उनके साथ ताड़ना होनी चाहिए। ताड़ना का मतलब है कि अगर गलती कर रहे हैं कोई जानबूझ करके तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए, उनके साथ में थोड़ा सा कठोरता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और जब बालक 16 वर्ष का हो जाता है तो उसके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो हमें जो संस्कार देने हैं वो बाल्य अवस्था में ही देने होंगे। श्री देवचंद्र जी ने भी कहा कि मिहिरराज तो 12 वर्ष के हो चुके हैं, उनके आने में क्या आपत्ति है, और किसके अंदर परमधाम की आत्मा है, आत्मा की तो कोई उम्र नहीं होती है और धार्मिक संस्कार के सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ऐसा कह करके मिहिरराज जी को बुलाया। मिहिरराज जी आए, 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन की अवस्था में आ करके श्री देवचंद्र जी को प्रणाम किया और जैसे ही उनके चरणों में प्रणाम किया और तब से मिहिरराज जी के हृदय में जागृत बुद्धि के प्रकट होने की अथवा जागृत बुद्धि के ग्रहण होने की शुरुआत हुई। अभी तो ज्ञान दृष्टि से ग्रहण करेंगे शुरुआत में और बाद में जाकर के जागृत बुद्धि का जो स्वरूप है अर्थात जागृत बुद्धि का जो ज्ञान है वही उनके अंदर आकर के विराजमान हो जाएगा। पहले चर्चा के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करेंगे। तो अब श्री लालदास जी इस प्रसंग के विषय में कहते हैं कि आए के चरणों लगे तब ही दई नींध तत्क्षण हृदय मिने आए बैठी जागृत बुद्ध। अब उनके हृदय में जागृत बुद्धि का ज्ञान उसने स्थान ग्रहण किया। अब उसके बाद से प्रतिदिन गोवर्धन जी और मिहिरराज जी का नियम बन गया कि देवचंद्र जी की चर्चा सुनने के लिए गांगजी भाई के घर में जाते थे और उस चर्चा के क्रम में मिहिरराज जी के साथ सिर्फ चर्चा ही नहीं होती है, उनको तो उनके साथ तो श्री देवचंद्र जी भविष्य की योजना बनाने शुरू करते हैं कि किस तरह से शाकुंडल और शाकुमार उनके विषय में देवचंद्र जी कहते हैं कि इनके परातम तो परमधाम में मुस्कुरा रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब संसारिक सुविधा संपन्न किसी तन में वो सुरताएं आई हों। जैसे आप सबने अनुभव किया होगा कि कोई बालक सो रहा होता है और सोते हुए कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रोने लगता है, कभी वो डर करके चौंक जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि स्वप्न में अगर कोई वो सुखद दृश्य देख रहा है तो वो मुस्कुराता है, अगर कोई डरावना दृश्य देखता है तो वो चौंक जाता है, और अगर उसके साथ कोई ऐसी घटना हो रही है जो उसको दुखी करने वाली है तो उससे डरता है। वैसे ही सुरता ब्रह्म सृष्टि की
जो इस संसार में आई है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी तरह किसी भी प्रकार की मूवी देख रहे होते हैं, हमारा ध्यान जब पर्दे पर, स्क्रीन पर, टेलीविज़न पर अथवा मोबाइल पर होता है, तो उसमें हास्य वाले दृश्य को देख करके हम हंसते हैं। अगर कोई डरावने दृश्य, अगर कोई हॉरर मूवी है, उसको देखते हैं तो हम चौंक जाते हैं, जबकि उस दृश्य में घटित घटनाओं से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। हमें वो किसी तरह से स्थूल रूप से वो प्रभावित नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से चूंकि हमारी सुरता उनसे जुड़ी हुई होती है कुछ पल के लिए, तो उसका असर हम पर पड़ता है। वैसे ही शाकुंडल और शाकुमार की जो सुरता है वो राज घराने में आई है, जिसके कारण श्री देवचंद्र जी ने कहा कि जो परातम है परम धाम में उनके, वो मुस्कुरा रहे हैं। तो उन शाकुंडल और शाकुमार को जगाना है, उनकी जागृति अगर हो गई तो अन्य ब्रह्म सृष्टियों की जागृति तीव्रता के साथ होगी। क्योंकि अगर कोई राजा किसी संप्रदाय में अथवा किसी भी तरह का ज्ञान ग्रहण करता है तो संपूर्ण प्रजा उस ज्ञान को ग्रहण करने में देरी नहीं लगाती है। उदाहरण के लिए, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध मत की दीक्षा ली थी, तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध मत को तीव्रता के साथ में प्रचार किया और भारत ही नहीं, भारत से दूर दराज के देशों में भी उन्होंने अपने राजकीय प्रशासनिक व्यवस्था के तहत उन्होंने बौद्धों को संरक्षण दिया। बौद्धों को संरक्षण दे करके उनके बौद्ध मत के प्रचार प्रसार में अपना पूरा योगदान दिया। तो इसीलिए उन राजाओं के जागृत हो जाने से, शाकुंडल और शाकुमार की जागृति हो जाने से ब्रह्म सृष्टियों की जागृति तीव्रता के साथ होती। इसलिए श्री देवचंद्र जी ने मिहिरराज जी को पहले ही बता दिया कि उनकी जागनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फिर साथ में कुरान का जो बीज ज्ञान है, कुरान से संबंधित जो बीज है, उसके विषय में भी श्री देवचंद्र जी ने कहा कि मुसलमानों के अंदर भी परमधाम की आत्मा आई है और कुरान के अंदर भी परमधाम की बातें संकेत में की गई है। तो उन्होंने एक खोजीबाई नाम की स्त्री का उदाहरण दिया कि इनके अंदर रई बाई की वासना है। वैसे तो वो मुस्लिम तन में है, विधवा है, लेकिन उसके अंदर परमधाम की आत्मा है। तो कुरान में भी ब्रह्म सृष्टियों की पहचान लिखी हुई है, लेकिन हमने उस कुरान को पढ़ने का बहुत अधिक प्रयास तो किया, लेकिन इन जाहिरी मुसलमानों ने हमें पढ़ने नहीं दिया। अब मैं तुम्हारे आगे ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बाद श्री राज जी तुम्हारे ही अंदर बैठ करके लीला करेंगे और तुम्हारे ही द्वारा जागने की लीला आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से भविष्य में होने वाली लीलाओं का बीजारोपण श्री मिहिरराज जी के जीव के हृदय में कर दिया गया और वही बीज आगे जा करके संपूर्ण ब्रह्मवाणी के रूप में वृक्ष बन करके और ब्रह्म सृष्टियों की जागनी के रूप में फलीभूत होती है। अब इस तरह से नित्य प्रतिदिन दोनों भाई चर्चा सुनने के लिए आते हैं। अब चर्चा सुनने के लिए जब आते हैं, इससे पहले तो एक भाई भाई का संबंध था और उस संबंध से एक लौकिक प्रेम था, लेकिन श्री देवचंद्र जी के पास जाकर के जब अपने परमधाम के स्वरूप की पहचान कर ली, इंद्रावती और गुणवंती बाई की अपनी आत्मा की पहचान हो गई, तो उनको अब दो दृष्टि का प्रेम है, दो नाते का संबंध है। एक लौकिक रिश्ता है भाई भाई का और दूसरा अलौकिक रिश्ता है परम धाम की आत्माओं का। तो कहते हैं, दो प्रेम में भीगे रहें करें मूल निस्वत विख्यात। अब वो सिर्फ भाई के रूप में नहीं है, सिर्फ दुनिया वालों के लिए ही दो भाई के रूप में नजर आते हैं, लेकिन वैसे तो परम धाम के मूल संबंध से उनके उनके अंदर प्रेम है। घर से दोनों भाई मिल करके जाते हैं, वापस भी साथ में आते हैं, उन दोनों का चित्त आपस में बंधे हुए हैं परम धाम के संबंध के कारण। अब एक दिन क्या हुआ कि दोनों भाई चर्चा सुनकर के वापस आ रहे थे, तो उनके बड़े भाई सांवल्य ठाकुर स्नान कर रहे थे। अब स्नान करते हुए उन्होंने देखा दोनों भाई आ रहे हैं, तो
तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों भाई बिगड़ चुके हो, कहिया तुम बिगड़े दो भाई, भय काम काज से अजान, का घर के कार्यों से तुम अनजान बने फिरते हो, अर्थात उसके तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है और तुम सिर्फ गांगजी भाई और तुम्हारे गुरु की संगति में रहते हो। हम पिताजी से कह करके तुम्हारे जो गुरु हैं और तुम्हारे जो गांगजी भाई हैं दोनों को शहर से बाहर निकाल देंगे, तब तुम सुधरोगे। अब एक संसार में लौकिक गुरु के लिए भी एक बात कही जाती है कि गुरु यत्र परिवादो निंदा वापी प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यो गंतव्यम वा ततोऽन्यतः। गुरु के विषय में कहा जाता है कि अगर कोई तुम्हारे गुरु की निंदा कर रहा है तो या तो आप उसका जवाब दीजिए या फिर या तो आप अपने कान बंद कर लीजिए या वहाँ से आप चले जाइए, गुरु की निंदा सुननी नहीं चाहिए। अब यहाँ तो सिर्फ लौकिक गुरु का प्रसंग नहीं है, आध्यात्मिक सद्गुरु के रूप में भी देखें तब भी लौकिक गुरु से अनंत गुना ऊंचा संबंध है, और यहाँ तो सिर्फ सद्गुरु के रूप में ही नहीं बल्कि अपने धाम धनी है और धाम धनी की पहचान के कारण अब कोई श्री राज जी की निंदा कैसे सुन सकते थे। तो मिहिर राज जी ने और गोवर्धन जी ने दोनों ने उनके ऊपर गुस्सा किया और श्यामल्या ठाकुर को मारने के लिए उन्होंने भगाया हथियार उठा करके। अब माता ने किसी तरह से बीच में आकर के बीच बचाव किया और रात को जब केशव ठाकुर घर में पहुंचे जो कि वहां के जामनगर नौतनपुरी के दीवान थे, तो केशव ठाकुर को कहा माता ने कि आप दिन भर तो राज्य के लोगों के झगड़े को मिटाते रहते हो, लोगों का जो लोगों की जो समस्या है उनका निपटारा करते रहते हो, आज तो तुम्हारे घर में ही लड़ाई हुई है, उस लड़ाई का निपटारा करो। केशव ठाकुर ने पूछा कि बात क्या है, उन्होंने दोनों के पक्ष को सुना, पीड़ित पक्ष और पीड़क पक्ष, वैसे तो दोनों पीड़ित थे यहाँ पर, दोनों के पक्ष को सुना और सुनने के बाद केशव ठाकुर ने सोचा कि अब अगर मिहिरराज और गोवर्धन का पक्ष लेते हैं तो बड़ा बेटा नाराज होगा, बड़े बेटे का पक्ष लेते हैं तो दोनों बेटे नाराज हो जाएंगे, इससे अच्छा ये कि बीच का रास्ता निकालते हैं। और बीच का रास्ता ये है कि बड़े बेटे को उन गांगजी भाई और देवचंद्र जी के पास जाने से आपत्ति है और मिहिर राज जी तथा गोवर्धन जी को धर्म के विषय में जानने की इच्छा है, पिताजी तो इतना ही समझते हैं अभी, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि तुम जिन गुरु के पास चर्चा सुनने के लिए कथा सुनने के लिए जाते हो उन्होंने भी तो कानजी भट्ट से कथा सुनी थी, तो तुम ऐसा करो कि तुम भी भट्ट जी के वहाँ कथा सुनने के लिए जाओ, देवचंद्र जी के पास ना जाओ, इससे दोनों की अपनी अपनी बात रह जाएगी। दोनों भाइयों ने कहा कि पिताजी हम दोनों कानजी भट्ट जी से कुछ प्रश्न करेंगे, अगर उन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो हम उनके पास चर्चा सुनने के लिए जाएंगे, आपकी आज्ञा मानेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो हम जैसा कर रहे हैं वैसा हमें करने दें, फिर आप उसमें किसी भी तरह की बाधा नहीं डाल पाएंगे। तो केशव ठाकुर जी ने सोचा कि जो गुरु का भी जो गुरु है तो वो शिष्यों के भी जो शिष्य हैं उनके प्रश्नों का समाधान ना कर सके ऐसा तो हो नहीं सकता, देवचंद्र जी कानजी भट्ट के शिष्य रहे हैं और ये तो देवचंद्र जी के शिष्य हैं, तो इनके प्रश्नों का तो सरलता से समाधान कर पाएंगे, ऐसी आत्मविश्वास के साथ में अगले दिन भट्ट जी के पास लेकर के गए दोनों भाइयों को। तो वहाँ पहुँचने के बाद में उन पिताजी ने कहा कि गुरुदेव मेरे दोनों बच्चे आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं और उनका कहना यह है कि आप इनका उत्तर दे दीजिए, अगर आप इनका उत्तर देंगे तो ये प्रतिदिन आपसे कथा चर्चा सुनने के लिए आएंगे। भट्ट जी ने कहा अच्छा ठीक है आप प्रश्न पूछिए। तो दोनों भाइयों ने प्रश्न किया कि गुण कितने हैं, कितने लोक हैं, तत्व कितने हैं और प्रलय कितने हैं, भागवत आधारित प्रश्न ही उन्होंने पूछा था और कानजी भट्ट भी भागवत के ही विद्वान थे, तो उन्होंने भागवत के ही आधार पर उत्तर दिया कि तीन गुण हैं, तीन गुण के अलावा चौथा कोई गुण नहीं है।
पांच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनके अतिरिक्त छठा कोई तत्व नहीं है। 14 लोक हैं, 14 लोक के अतिरिक्त 15वां कोई लोक नहीं है। और 4 प्रकार के प्रलय बताया गया है भागवत के अंदर, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और महाप्रलय। तो 5वां कोई प्रलय नहीं है। 3 गुण, 5 तत्व, 14 लोक और 4 प्रकार के प्रलय हैं। अब पहले प्रश्न का तो उत्तर दे दिया। अब अगला प्रश्न उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि महाप्रलय की अवस्था में परब्रह्म का जो रूप है वो कहाँ पर रहता है, कौन से स्थान पर रहता है। भट्ट जी ने कहा कि क्षीर सागर है, एक क्षीर समुद्र, वहाँ पर एक अक्षय वट है, बरगद का एक वृक्ष है। अक्षय का मतलब क्षय न होने वाला, नष्ट न होने वाला, ऐसा बरगद का वृक्ष है। और उस वृक्ष के पत्ते में अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके परमात्मा रहते हैं। अब दोनों भाइयों ने कहा कि आपने चौथे गुण के बारे में तो वर्णन नहीं किया, सत्व, रज और तम 3 गुण हैं, छठे तत्व, 15 लोक और 5 प्रकार के प्रलय के विषय में तो आपने कहा नहीं। तो आप बताइए कि महाप्रलय की अवस्था में ये क्षीर सागर रहता कहाँ पर है, कि जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि भागवत के आधार पर तो 3 गुण, 14 लोक और 5 तत्वों का नष्ट हो जाना लिखा है। फिर ये क्षीर सागर कहाँ पर है जहाँ परमात्मा महाप्रलय के बाद भी विद्यमान रहता है। अब इस प्रश्न के सुनने के बाद श्री लालदास जी कहते हैं, तब भट्ट की शुद्ध बुध गई, कही ए जवाब ब्रह्मा से न होए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के द्वारा भी इस प्रश्न का उत्तर पाना संभव नहीं है। अब ऐसा भट्ट जी ने जब क्लियर सर्टिफिकेट दे दिया तो पिताजी ने कहा कि तुम्हारे मन में जैसा आता है, तुम्हारे मन को जो अच्छा लगता है वैसा करो। अब इस तरह से नौतनपुरी में दोनों भाई प्रतिदिन आगे फिर से चर्चा सुनने के लिए जाते हैं। और अब ये चर्चा का जो क्रम है, मिहिरराज जी जब 12 वर्ष के थे तब से लेकर के चर्चा सुनने की शुरुआत हुई थी। अब आगे 24 वर्ष 10 महीने और 5 दिन तक, मतलब लगभग 13 वर्षों तक, पूरा 13 वर्ष नहीं होता है लेकिन लगभग 13 वर्षों तक, एक आध महीने की कमी रह जाती है, वहाँ तक दोनों भाई साथ में रहते हैं। और उसके बाद कारज कारणवश गोवर्धन जी का शरीर छूट जाता है। आत्मा तो श्री राज्य की मेहर से उनकी अपनी रहने से जागृत हो चुकी है और शरीर छूट जाता है। और फिर उधर इधर मिहिर राज्य लौकिक कार्य भी करने लग जाते हैं, वजीर के वहाँ पर काम करने लगते हैं। और जब मिहिर राज्य की आयु 24 वर्ष और 10 महीने की हुई, गोवर्धन जी का तन छूटा, तो इस प्रसंग के लिए, इस प्रसंग को दर्शाने के लिए श्री लालदास जी कहते हैं, 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहते हैं रमे बीच कौसर होज। 13 वर्ष का मतलब पहली बार देवचंद्र जी का दर्शन करने के बाद अगले 13 वर्षों तक। लौकिक बोझ का तात्पर्य ये है कि वैसे तो माया में रहते हुए भी माया से अलग थे लेकिन फिर भी माया में तो थे। कहने का तात्पर्य ये है कि गोवर्धन जी के साथ भी लौकिक और अलौकिक दोनों संबंधों को निभा रहे थे, वजीर के यहाँ पर जाकर के रोजगार भी कर रहे थे, चाहे उनकी मनसा सुंदर साथ की सेवा करने की थी लेकिन फिर भी लौकिक काम तो कर रहे थे। इसलिए इस कार्य को भी, भले ही उनके अंदर माया की कोई चाहना नहीं थी लेकिन माया की चाहना न होते हुए भी लौकिक कार्य कर रहे हैं, और उसको भी श्री लालदास जी ने कहा कि था ऊपर लौकिक बोझ। तो सोचिए कि माया का रूप कितना सूक्ष्म है, हम तो माया में नाक तक डूबे होने के बावजूद भी हम स्वयं को कहते हैं कि हमें तो माया में मन नहीं लगता, हम तो राज्य के ध्यान में लगे रहते हैं, तो वास्तविकता इससे कोसों दूर है। अब इसी क्रम में श्री मिहिरराज जी अब लगभग 25 वर्ष के हो चुके हैं, चर्चा प्रतिदिन सुना करते हैं,
एक भाई का तन छूट चुका है, तो अब संसार में जो किसी से थोड़ा सा लगाव था वो लगाव वाला तन भी छूट चुका है। तो संसार में लगने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो और अधिक वैराग्य और अधिक विरक्ति उनके अंदर आती रहती है। तो एक दिन उनके हृदय में एक विचार आता है कि हम परमधाम से आए हैं, राज्य ने हमें माया का खेल देखने के लिए भेजा है, अब यहां पर आकर के एक तन है देवचंद्र जी का, वे तो राज्य का दर्शन करते हैं, परमधाम का दर्शन करते हैं और दर्शन करके देखते हुए परमधाम का वर्णन करते हैं, हम भी तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हैं, तो हमारे साथ में ऐसी लीला क्यों नहीं हो सकती है, हम परमधाम को राज्य को देखते हुए वर्णन क्यों नहीं कर सकते। श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान, सो हमारे आगे कहत हैं कर देत पहचान, हमें राज्य की पहचान कराते हैं, और हमारा भी तो धामधनी से संबंध है, तो उससे क्या इतना भी नहीं हो सकता कि हमें भी परमधाम का देवचंद्र जी की तरह ही दर्शन हो जाए, क्या खेल में हमारा इतना भी नहीं चल सकता है, और अगर इतना भी नहीं हो सकता है हमसे, तो फिर हमें स्वयं को परमधाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाने का क्या अधिकार है, तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी न देखें बीतक इत, जब हमें हमारी स्वयं की लीला देखने का अधिकार नहीं है परमधाम की लीलाओं को, तो फिर हम अपने आप को परमधाम की ब्रह्म सृष्टि कैसे कह सकते हैं। लेकिन शायद हम में ही कोई अवगुण है जिस अवगुण के कारण हम में और उस परमधाम की लीला अथवा राज्य के बीच में एक अंतराय है, अंतर है, पर्दा है, और जब हम उस अवगुण को समाप्त कर देंगे, उस अवगुण रूपी पर्दा को समाप्त कर देंगे, तो हम भी राज्य और परमधाम का दर्शन करके श्री देवचंद्र जी के तरह ही वर्णन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने अंदर के अवगुणों को खोजना शुरू किया। अब जो भी अवगुण उनको प्राप्त होते हैं, जो भी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ये अवगुण है, उन्होंने चर्चा में ये सुन रखा था कि संसारिक जो भौतिक सुख सुविधा अथवा भौतिक जो धन संपत्ति है ये माया का रूप है, स्वर्ण इत्यादि में कलयुग का वास रहता है, तो अब मिहिरराज जी का विवाह हुआ था बाल्यकाल में फूलबाई जी के साथ में, उनके आभूषण इत्यादि ला करके श्री देवचंद्र जी को दे दिया उनके चरणों में कि ये माया आप रख लीजिए, उनको लगता है कि मैं भोजन अधिक कर लेता हूँ तो इस वजह से शायद मेरे अंदर माया है, अवगुण है, उन्होंने भोजन भी कम करना शुरू किया। देवचंद्र जी को बार बार पूछना शुरू किया कि मेरे अंदर कौन से अवगुण है आप बताइए, मुझे मेरे अवगुणों को समाप्त करना है। श्री देवचंद्र जी कहते हैं तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न, तेरे अंदर परम धाम की निर्मल इंद्रावती की आत्मा है, तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है। अब उन्होंने कुछ दिन के लिए तो सोचा कि धामधनी ने ऐसा कहा है तो मुझे उनकी बातों को मानना है, लेकिन जब भी श्री देवचंद्र जी की चर्चा सुनते हैं, चर्चा सुनते हुए उनके अंदर यही जिज्ञासा बार बार उत्पन्न होती है कि मेरे से ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। देवचंद्र जी की चर्चा की जो अर्चा है वो सुंदर साथ के आगे करना शुरू करते हैं, जैसी चर्चा उन्होंने सुनी है सुंदर साथ के बीच में जाकर के उसको दोहराना शुरू करते हैं, इससे क्या होगा उनके अंदर भी उन बातों की दृढ़ता आएगी और सुंदर साथ को भी पुनः इसका लाभ मिलेगा। इस तरह से वर्णन करते करते फिर से उनके मन में वही प्रश्न जैसा देवचंद्र जी को पूछा था कि वो तो देख करके वर्णन कर रहे हैं और मैं वर्णन कर रहा हूं तो कैसे कर रहा हूं, सिर्फ सुने सुनाई बातों का। इसलिए अब उन्होंने अपने मन पर अपने इंद्रियों पर और जुल्म करना शुरू किया, धीरे धीरे करके भोजन कम करना शुरू किया, और कहते हैं उतरता आहार घटाइया रहया पैसे भर दोए, दो पैसे में जितना अनाज आता है बस उतना ही खाना शुरू किया, धीरे धीरे करके इंद्रियों का जो बल है वो घटा, शरीर सूख चला, शरीर सूख करके कांटा हो गया, हड्डियां दिखने लग गई, और जब चर्चा सुनते हैं श्री देवचंद्र जी के मुख से
तो महामती श्री लालदास जी कहते हैं, नैनो नीर झरत हैं जब लो चर्चा धाम, रंग जरदी का आइया और न सुझे काम। जरद कहते हैं पीले रंग को। तो शरीर सूख करके कांटा हो गया है, अब शरीर में जब रक्त की अल्पता होगी, खून की कमी होगी, तो शरीर में पीलापन आना स्वाभाविक है। शरीर अत्यंत कमजोर हो चुका है, अब भी अपने अवगुण खोज रहे हैं, फिर उनको लगता है कि और अवगुण क्या हो सकते हैं। वस्त्र आभूषण इत्यादि तो पहुंचा दिए थे, फिर उन्होंने सोचा कि मैं जब बाजार से गुजरता हूँ तो मेरे कोई मित्र मिलते हैं, अगर मिलते हैं दो पल के लिए ही सही, लेकिन बात तो माया की ही करेंगे, तो ये भी अवगुण है। तो उन्होंने क्या किया, अब ऐसा करना शुरू कर दिया कि जब वो घर से निकलते थे, अगर सामने से कोई मित्र मिल भी जाता था तो उससे मुंह मोड़ करके जाना शुरू किया। रास्ते में देखते हैं कि किसी मिठाई की दुकान को देख करके अथवा किसी स्वादिष्ट व्यंजन की दुकान को देख करके मेरे अंदर खाने की इच्छा तो नहीं होती है, और अगर कभी इच्छा होती है तब भी अपने मन को, तब भी अपने जीव को फटकारते हैं और इस तरह से खींचते हैं, कहते हैं कि हे मेरा चंडाल मन, तेरे चक्कर में फंस करके और तू इन इंद्रियों के चक्कर में फंस करके 84 लाख योनियों के चक्र में निरंतर घूमता फिर रहा है, और इतनी योनियों में अनेकों बार जन्म लेने के बावजूद भी तेरी ये इच्छा समाप्त नहीं हुई है। कई जन्मों में हमने इन इंद्रियों के माध्यम से भौतिक सुखों का, क्षणिक सुखों का उपभोग किया होगा, लेकिन इसकी तृप्ति तो नहीं होने वाली। भर्तृहरि का कथन है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी भी मिटती नहीं है, बूढ़ी नहीं होती है। हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारा शरीर छूट जाता है, अगले तन में जाएंगे, फिर से तृष्णाओं के वशीभूत होकर के वैसा ही कार्य करने लग जाते हैं। एक बार एक अंधा व्यक्ति था, एक तो अंधा, ऊपर से कोढ़ी, कोढ़ी मतलब उसको खाज खुजली का रोग था, और एक भूल भुलैया जैसे जगह पर फंस गया, वो किसी तरह से अंदर चला गया और बाहर आने का उसे दरवाजा ही ना मिले। वो ढूंढता फिर रहा है, कोई द्वार नहीं मिल रहा है, तो एक व्यक्ति से वो जा टकराया और उसने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे कृपया बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए। उस व्यक्ति ने उस अंधे को उसका हाथ पकड़ करके दीवार तक पहुंचा दिया। दीवार तक पहुंचाने के बाद में उसको कहा कि तुम इस दीवार को छूते हुए चलना, थोड़ी दूर जाने के बाद में एक जगह से तुम्हें खुला दरवाज़ा मिलेगा, वहां से बाहर निकल जाना, और ध्यान रखना खुला दरवाज़ा एक ही है, बाकी सारे दरवाजे बंद हैं। तो वो अंधा व्यक्ति दीवार के सहारे हाथ से स्पर्श करते हुए दरवाजे के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है उसकी खाज, उसके शरीर में जो खुजली होती थी, खुजली बढ़ जाती है। अब पैर तो उसके रुकते नहीं है, लेकिन हाथ दीवार से हटा करके अपनी खुजली मिटाने लगता है, शरीर खुजाने लगता है, और ऐसे में वो दरवाज़ा पीछे छूट जाता है। फिर से वापस अब दीवार को छू करके घूमते हुए उसी सर्कल में पहुंचता है और खुले दरवाजे के पास पहुंच करके फिर से खुजली शुरू होती है, और ऐसा करते करते वो कभी उस भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल पाता है। हमारा जो जीव है वो अंधा व्यक्ति है। जितनी भी योनियां हैं मनुष्य तन के अतिरिक्त, वे सारी योनियां बंद दरवाजे वाले हैं, और मनुष्य तन ही ऐसा खुला दरवाजा है जिससे हम इस भूल भुलैया रूपी भवसागर से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य तन में आने के बाद भी जब हमें मायावी तृष्णा रूपी विषय वासना रूपी खुजली होती है, तो उस खुजलाहट का आनंद लेने के चक्कर में मनुष्य तन भी छूट जाता है, और मनुष्य तन के छूटने के बाद फिर से उन बाकी भोग योनियों में चले जाते हैं। जैसे ही वापस कर्मयोनि में आते हैं, कर्मयोनि में आकर के भी वैसे ही कर्म करते हैं जिससे कि पुनः भोग योनि में जाना पड़े।
तो इस तरह से मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं होती है और मुक्ति भी नहीं होती है। इसलिए मिहिरराज जी अपने चंडाल मन को प्रबोधित कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं तो कि तू ऐसा नीच कर्म कैसे कर रहा है। अब ऐसे में बालभाई जी ने देखा कि मिहिरराज जी का तो शरीर अत्यंत कमजोर होता जा रहा है, दुर्बल होता जा रहा है। उन्होंने आकर के मिहिरराज जी के संबंध में देवचंद्र जी से अर्जी की कि सद्गुरु महाराज, एक भाई तो पहले ही जा चुका है, क्या आप चाहते हैं कि दूसरा भाई भी चला जाए? क्योंकि ये जैसा कर रहे हैं, हमने सुना कि भोजन भी नहीं कर रहे हैं, दो पैसे के बराबर का आहार ले रहे हैं, तो कृपया आप इनको समझाइए जिससे कि ये इनका शरीर टिका रहे। अब देवचंद्र जी ने मिहिरराज जी को बुला करके पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मिहिरराज जी ने कहा कि आप मेरे अवगुण बताते क्यों नहीं हैं? मैं जब ब्रज की चर्चा सुनता हूँ, रास की चर्चा सुनता हूँ, तो मेरे नेत्रों से, मेरे आँखों से आंसू अश्रुधारा की वर्षा होती है, लेकिन जब हम परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हैं तो परमधाम की चर्चा सुनते हुए, राज्य की चर्चा सुनते हुए भी शरीर स्थिर कैसे रह सकता है? और आप परमधाम की चर्चा करते हैं, मैं परमधाम की चर्चा को वैसा देख करके वर्णन क्यों नहीं कर सकता? बालभाई जी ने मिहिरराज जी को डांटा कि तुमने धामधनी की पहचान कैसे कर ली? क्या तुमने सिर्फ मुख से ही इन्हें धामधनी कहा है? अगर ये बातें जैसा तुम चाह रहे हो, अगर ये लौकिक बातें होती कि जैसा उनको हो रहा है वैसा मुझे भी हो जाए, ये इतना सरल होता तो कोई भी कर पाता। और अगर तुम्हें इनके स्वरूप की वास्तविक पहचान होती, सद्गुरु महाराज के स्वरूप की, तो तुम ये सब प्रश्न उनसे नहीं करते। तुम तो केवल उनकी आज्ञा का पालन करते और फिर नित्य उनकी सेवा, उनकी परिक्रमा करते। श्री देवचंद्र जी ने भी कहा कि अगर तुम वास्तव में मुझे धामधनी के रूप में मानते हो, धामधनी के रूप में देखा है तुमने मुझे, तो फिर तुम्हें तो मुझसे अलग होना ही नहीं चाहिए, मुझसे दूर जाना ही नहीं चाहिए, रात दिन तुम्हें मेरे सानिध्य में रहना चाहिए। और तेरे कोई भी अवगुण नहीं है, तुम बार बार अवगुणों के विषय में क्यों पूछा करते हो? और अगर वैसे देखा जाए अवगुण देखने के लिए, तो अवगुण अनेकों हो सकते हैं। अब देवचंद्र जी ने एक अंतिम और बहुत मुख्य बात कही कि ये जो वस्तु है कि मुझे दर्शन हो रहा है, तुम्हें क्यों नहीं हो रहा है, ये तो हुक्म की लीला है। और हुक्म का जो स्वरूप है, एक समय में एक ही तन से लीला कर सकती है उस हुक्म की शक्ति। तो अगर तुम्हें मेरी तरह लीला करनी है, मेरी तरह ही परमधाम का वर्णन करना है, तो फिर कहते हैं मोहे उठाए तुम बैठो, पर ना होवे कहूँ और। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, इसके लिए तो तुम्हें पहले मुझे सिंहासन से उठाना पड़ेगा और तुम्हें स्वयं को बैठाना पड़ेगा, अर्थात मेरा तन छूटने के बाद ही तुम्हारे तन से ऐसी लीला होनी है। अब जब ये बात सुनी तो उनके दिल में ठोकर लगी कि मैं किस तरह की इच्छा कर रहा था। और ये बात जो उनके दिल में चुभी है, वही आगे जाकर के हवसे के प्रसंग में किरंतन की वाणी के रूप में अवतरित होती है कि मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, सुरों में याद कर जो मारे हेत के बान। कि मैंने धामधनी की पहचान नहीं की। और उन्होंने किरंतन के एक और प्रकरण में कहा कि पतित शिरोमन यो कहे, जो मैं किए वज्रलेप मेरा साहेब सो द्वेष। वैसे तो लौकिक द्वेष नहीं था, लेकिन जिस तरह से इस संसार में द्वेष की भावना से ग्रसित होकर के कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में प्रतिद्वंदिता कर लेता है, होड़ बांध लेता है, मिहिरराज जी कहते हैं कि मैंने भी अपने ही सद्गुरु से होड़ बांध लिया, अपने ही राज्य से होड़ बांध लिया कि जैसा आप करते हैं वैसा मैं भी करूं। इसलिए मैंने इस तरह का वज्र लेप वाला, वज्र का मतलब शायद आप सबको पता है कि इंद्र का जो हथियार है, इंद्र का जो अस्त्र है, उसको वज्र कहा जाता है, जिसके विषय में पौराणिक मान्यता है कि दधीचि की अस्थि से वो तैयार की गई थी। और वज्र के विषय में कहते हैं कि वो कभी टूटता नहीं है,
तो इसलिए इंद्रावती जी कहते हैं कि मैंने भी न टूटने वाला अथवा अमिट गुनाह किया है, अमिट अपराध किया है, ऐसा प्रसंग श्री इंद्रावती जी के द्वारा जब वाणी अवतरित होती है तो उसमें इस कृत्य के प्रायश्चित स्वरूपों करती हैं। अब देवचंद्र जी की इस बात को सुनकर के मिहिरराज जी का मन उस तरफ से तो हट जाता है, लेकिन बालबाई जी सोचती हैं कि अगर इनको इन सब चीज़ों से हटाना है कि बार बार अवगुण ढूंढने लग जाते हैं, बार बार खाना बंद कर देते हैं, अगर इनसे हमें भविष्य में सेवा लेनी है तो अभी के लिए स्तन को रखना आवश्यक है, तो इसके लिए हमें कुछ समय के लिए इनको माया में लगाए रखना पड़ेगा। और ये अमूमन सभी आध्यात्मिक विभूतियों के साथ में होता है। एक बार एक घटना मैंने सुनी थी परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में, उनकी आदत ये बताई जाती है कि वो भोजन के विषय में मांग किया करते थे। वैसे तो उस अवस्था में पहुंचने के बाद में जो भी सामने मिले वैसा खा लेते हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस रसोई में पहुंच जाया करते थे और कहते थे, अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह की फरमाइश करते थे कि आज ये बनाना है, आज वो बनाना है, आज ये खाने की इच्छा है, वो खाने की इच्छा है। तो किसी ने उनको टोक दिया कि आप परमहंस हैं, आपको तो इस तरह की इच्छा नहीं करनी चाहिए, आप कैसे परमहंस हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये इच्छा ना रखूं तो मेरा शरीर ही नहीं रहेगा, अगर इस शरीर को चलाना है तो इस संसार में किसी न किसी एक वस्तु के साथ में, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो लक्ष्य हो, मिशन जिसको कहते हैं, किसी न किसी के साथ में जुड़ाव होना आवश्यक है। जीवन का अथवा जीने का कोई ध्येय ना मिले, कोई लक्ष्य ना मिले तो मनुष्य फिर जी नहीं पाता है। इसीलिए जैसे उदाहरण के लिए अगर हम इंद्रावती जी का ही, मिहिरराज जी का ही उदाहरण लें, तो वाणी में उन्होंने क्या कहा कि मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पियो। उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया था, लेकिन चूंकि उनका लक्ष्य था राज्य को उस तन के द्वारा जागनी की सेवा लेनी थी, उनका लक्ष्य यही हुआ ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करना, तो उस लक्ष्य से जुड़े होने के कारण उनका शरीर टिका रहा। तो इसीलिए अब यहाँ पर बालबाई जी चाहती हैं कि इनको कोई ऐसा माया में कार्य दिया जाए जिससे कि मिहिरराज जी कुछ पल के लिए इन सब चीज़ों से उनका ध्यान थोड़ा सा हटे और इनका शरीर स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसीलिए इन्होंने श्री देवचंद्र जी को कहा, देवचंद्र जी ने उनको गुजरात भेज दिया। गुजरात का तात्पर्य अहमदाबाद से है, क्योंकि वैसे तो जामनगर इत्यादि, जामनगर भी गुजरात में ही पड़ता है, लेकिन पहले गुजरात शब्द से अहमदाबाद को पहचाना जाता था। तो अहमदाबाद भेजा उन्होंने पुराण संहिता और माहेश्वर तंत्र नाम के ग्रंथ को लाने के लिए। वहाँ गए और कुछ दिनों के अंदर ग्रंथ लेकर के वापस आ गए। फिर उन्होंने सोचा कि इनको कुछ ऐसा लंबा कार्य देना चाहिए जिसमें कि ये कुछ समय तक माया में लगे रहे। तो विक्रम संवत 1703 में श्री राज जी का, श्री देवचंद्र जी का हुक्म हुआ श्री मिहिरराज जी को कि आप जाइए अरब में। वहाँ पर गांगजी भाई के एक भाई हैं, उनका नाम है खेता भाई, और पिछले 25 वर्ष से वो माया का कार्य कर रहे हैं, व्यापार का कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारा धन कमा लिया है। आप वहाँ जाइए, उनको राज्य की चर्चा सुनाइए, प्रबोधित कीजिए, अगर उनका धन भारत में आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, तो इससे सुंदर साथ की सेवा में और जागनी में योगदान होगा। तो श्री देवचंद्र जी ने जब ये बात कही, उसको राज्य का हुक्म मान करके नाव में चल करके, नाव में बैठ करके मिहिरराज जी सबसे विदा लेकर के अरब की ओर रवाना होते हैं। फागुन के महीने में नाव में बैठे हैं, फागुन का मतलब लगभग फरवरी और मार्च से, क्योंकि आज की तरह इंजन वाले जहाज तो नहीं होते थे। पहले जो जहाज होते थे पाल में जो हवा के दबाव से
जिस दिशा में हवा चल रही होती थी उस दिशा में चला करते थे, और हो सकता है संभवतः कि फागुन के महीने में हवा उस दिशा की ओर बहती हो, तो इसलिए फागुन के महीने में नाव में बैठ करके मिहिरराज जी अरब की तरफ रवाना हुए और 40 दिन तक समुद्री यात्रा करके अरब पहुँचे। अरब में पहुँचने के बाद खेता भाई जी को खोजते हुए उनके पास गए, मिले और मिल करके गांगजी भाई ने जो पत्र लिखा था वो पत्र उनके हाथ में दे दिया। अब खेता भाई को मिहिर राजे से मिल करके अत्यंत सुख का अनुभव हुआ। इस भाव से नहीं कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि आई है, केवल इस भाव से कि हमारे देश से और हमारे गांव से कोई आया है, हमारा कोई अपना आया है अथवा हमारे किसी अपने व्यक्ति का परिचित आया है। सिर्फ लौकिक भाव से उन्हें सुख मिला और उस चिट्ठी में लिखे गए निर्देश के अनुसार मिहिर राज्य को उन्होंने अपने पास रख लिया और फिर मिहिर राज्य को एक कार्यभार सौंपा। उस कार्यभार को आज की बोलचाल की भाषा में वसूली कहते हैं। वैसे तो वसूली शब्द जो है गुंडागर्दी के लिए प्रयोग होता है कि किसी से ज़बरदस्ती धन ले लेना, लेकिन उस समय में जैसे किसी को ब्याज में धन दे रखा होता है व्यापार इत्यादि के लिए, तो उस धन को वापस लेना। तो इस कार्य को मिहिरराज जी को सौंप दिया खेता भाई ने। अब मिहिरराज जी ने ये कार्य तो शुरू किया खेता भाई की मदद करना, दिन भर माया का कार्य करते हैं, रात को बैठ करके परमधाम की राज्य की चर्चा सुनाते हैं कि खेता भाई तुम्हारे अंदर परमधाम की आत्मा है और तुम परमधाम से आए हो, तुम्हें परमधाम जाना है, तुमने ही ब्रज में रास में ऐसे ऐसे लीला की थी, तारतम की बातें सुनाते हैं। लेकिन उनको तो उसका रस प्राप्त होने की बात तो बहुत दूर है, छींट भी नहीं लगती है, क्योंकि उनके अंदर परमधाम का अंकुर था नहीं। मिहिरराज जी के अंदर अभी, क्योंकि मिहिरराज जी तो पहचान नहीं कर सकते कि कौन ब्रह्म सृष्टि है कौन नहीं है, उन्होंने बस अपनी तरफ से प्रयास किया। और ऐसा प्रयास करते करते खेता भाई जी को प्रबोध करते करते 4 वर्ष व्यतीत हो चुका है। जब भी समझाते हैं, जब भी राज्य की बात करते हैं, खेता भाई का प्रश्न होता है, बीच में टोक देते हैं कि फलाने व्यक्ति से इतना धन लेना था, मूलधन और ब्याज मिला करके इतना होता है, तो तुमने उनसे लिया कि नहीं, नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, कब तक ले लोगे, सारे माया के प्रश्न होते हैं। और माया के ऐसे कार्य करते करते 4 वर्ष व्यतीत हो गए और उसके बाद संयोग से खेता भाई जी की मृत्यु हो गई। और जैसे ही खेता भाई की मृत्यु हुई, आज भी आप लोग देखेंगे, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों की चर्चा से सुनते आ रहे हैं कि शरीयत के जो कट्टर मुस्लिम हैं उनके अंदर एक कट्टरता होती है, और वहाँ अरब के जो लोग थे उनके अंदर ये भावना थी कि हमारा जो धन है वो विदेश दूसरे देशों में नहीं जाना चाहिए। तो उसने वहाँ का जो हाकिम था शेख सालेह, उसने खेता भाई की संपत्ति पर, खेता भाई के गोदाम पर ही कब्जा कर लिया, ताला लगा दिया, और उसने मिहिरराज जी के ऊपर भी बुरी नज़र की, कुदृष्टि डाली और मिहिरराज जी को मारने का प्रयास किया। लेकिन राज्य की मेहर से वहाँ से बच करके मिहिरराज जी रात को ही निकले। पूरी रात उन्होंने एक पास की पहाड़ी पे गुजारी और वहाँ से फिर बगदाद पहुँचे। और वहाँ का जो इमाम था, वहाँ का जो खलीफा था, सुल्तान था, उसके पास जाकर के 2 महीने तक प्रयास किया कि किसी तरह से खेता भाई का जो धन है वो वापस मिले, ताकि, क्योंकि खेता भाई तो अब नहीं रहे, उनका जो धन है उनकी संपत्ति उसको लेकर के भी अगर मैं जाऊं तो इस धन से भी वहाँ के सुंदर साथ की सेवा होगी। 2 महीने तक प्रयास किया लेकिन किसी ने भी सुल्तान से मिलने नहीं दिया, क्योंकि मिहिरराज जी की वेशभूषा भी ऐसी थी, तो कोई किसी हिंदू को वो मिलने नहीं देना चाहते थे, शरीयत के जो कट्टर मुसलमान हैं। अब इतने में क्या हुआ, 2 महीने बीतने के बाद मिहिरराज जी निराश होकर के एक स्थान पर बैठे हुए थे, तो वहाँ एक अरब व्यक्ति मिला, अरब मतलब एक अरबी व्यक्ति मिला, और उसने मिहिरराज जी से पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो। उन्होंने सोचा कि एक वीरान देश में एक
ऐसे जगह पर जहाँ मैं किसी को जानता नहीं हूँ, ऐसे अनजान देश में कोई व्यक्ति इतने स्नेह से पूछ रहा है, अपनेपन से पूछ रहा है, तो मिहिरराज जी जो इतने दिनों से परेशान थे, एक तो खेता भाई के मरने से और दूसरा उस शेख सालेह की हरकत से, तो उन्होंने सारी बातें सुनाई। तो उस अरबी व्यक्ति ने कहा कि तुम हिम्मत करना, जब भी सुल्तान निकलेगा, सुल्तान विशेष रूप से जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए, शुक्रवार की नमाज़ पढ़ने के लिए वो निकलेगा, तो उस समय में जाकर के तुम छेड़ा पकड़ना, छेड़ा मतलब कुर्ते का जो पल्ला होता है उसको पकड़ करके खींचना और हिम्मत करके कहना कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, आप मेरा न्याय करो, नहीं तो जैसे मैंने अभी तुम्हारा दामन पकड़ा है वैसे ही सातवें दिन, क्योंकि मुसलमान सातवें दिन को न्याय का दिन मानते हैं, वो कहते हैं कि सातवें दिन खुदा खुद न्यायाधीश बनेगा, जज बनेगा और सबका न्याय करेगा, काजी बनकर के कजा करेगा। तो उस अरबी व्यक्ति ने सिखाया कि तुम उनको सातवें दिन के विषय में कहना कि अगर तुमने मेरा अभी न्याय नहीं किया तो मैं सातवें दिन खुदा के सामने न्याय मांगूंगा दामन झटक करके, और ये बात तुम हिम्मत करके कहना, और ये भी कहना है कि मेरे गले में जो थी, मतलब मेरे जिम्मेदारी जिस बात की थी, वो मैं अब तुम्हारे गले में डाल रहा हूँ। अब मिहिरराज जी ने अवसर देखा जुम्मे की नमाज का, और जब शुक्रवार को ये अवसर हुआ, वो सुल्तान नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, उसके अंगरक्षक भी थे लेकिन थोड़े से दूर थे, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, कोई लड़ाई के लिए तो नहीं जा रहे थे। मिहिरराज जी ने अवसर देखा और अवसर देख करके दौड़कर सुल्तान के पास पहुँचे और जाकर के कुर्ते का जो दामन है वो दामन पीछे से झटक दिया, और जैसे ही दामन झटका, आप लोगों ने शायद आज से 50-60 साल पहले के कुर्ता पहनने के स्टाइल को देखा होगा, आज की तरह बटन नहीं हुआ करते थे, कस जिसको कहते हैं कस से बांधा जाता था। आज भी आप जाएंगे काठियावाड़ की तरफ गुजरात में तो इस तरह के कुर्ते बूढ़े बुजुर्ग लोग पहना करते हैं। तो उस दामन को झटकने से उसके कुर्ते की जो कस है वो टूट गई। अब अंगरक्षक जो थोड़े से दूर थे वो तलवार निकाले और निकाल करके मिहिरराज जी को मारने के लिए दौड़े, लेकिन सुल्तान ने उन सैनिकों को रोका। और अब क्योंकि मिहिरराज जी को एक तरफ से तो डर भी लगा कि सैनिक मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो उस सुल्तान ने कहा ला तखौफ या बनी, खौफ मतलब डरना, ला मतलब नहीं अथवा मत, बनी कहते हैं बेटे को, उसने कहा कि हे बेटे डरो मत, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम क्या चाहते हो, तुमने मेरा जो दामन झटका है वो क्यों झटका है। मिहिरराज जी ने सारी बातें सुनाई संक्षिप्त में और कहा कि शेख सालेह ने जिस धन पर कब्जा किया है उस पर हमारा अधिकार है, और मुझे उनके भाई ने भारत से भेजा है, और मैं ही पिछले 4 वर्षों से उनके धन की देखरेख किया करता था जिस पर उसने अवैध कब्जा किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो धन हमें दे दें जिससे कि हम जा सकें वापस भारत। और फिर सुल्तान ने पूछा कि तुम्हें अचानक ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तुम तो मुझसे दरबार में आकर के भी मिल सकते हो। उन्होंने कहा है कि मैंने प्रयास तो किया, 2 महीने से मैं प्रयास कर रहा था, नहीं हो सका तो मैंने ऐसा किया। तो सुल्तान ने कहा कि अभी तो मैं फ़िलहाल नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, जुम्मे का नमाज़ है और बहुत ज़रूरी है, तो मैं तुम्हें कल बुलाऊँगा, कल तुम आना। ऐसा कहकर के वो चला गया। अब अगले दिन सुल्तान अब मिहिरराज जी का पता पूछना भूल गया था, तो उसने कहा सैनिकों को कि तुम जाकर के कल जिसने मेरा दामन झटका था उसको लेकर के आओ। सैनिकों को पता नहीं पूरा माजरा क्या है, पूरी बात क्या है, उन्होंने सोचा कि सुल्तान का दामन झटकने की भूल की है तो ज़रूर ये अपराधी होगा, जाकर के ढिंडोरा पिटवाया कि ऐसा कौन है जिसने सुल्तान का दामन झटका था। मिहिरराज जी सामने आए, अब मिहिरराज जी को वो लोग अपराधी की भांति पकड़ करके ले गए, जबकि वो सुल्तान ने गुनहगार की तरह नहीं बुलाया था, लेकिन अब उन सैनिकों को तो पहचान नहीं है। किसी तरह मिहिरराज जी पहुँचे सुल्तान के सामने, तो सुल्तान ने फिर पूछा, एक विशेष बात पूछी कि तुमने कहा था कि तुम 2 महीने से मेरे दरबारियों
के चक्कर लगाते फिरे हो लेकिन तुमसे किसी ने मिलने नहीं दिया, तो बताओ तुमने किसके पास जाकर के फरियाद की थी? अब मिहिराज जी सोचते हैं कि अगर मैंने किसी का नाम लिया तो वो मारे जाएंगे, सुल्तान सख्त सज़ा दे सकता है, क्योंकि शरीयत आज भी आप जाएंगे अरब देशों में तो छोटी सी गलती की भी बहुत कठोर सज़ा दी जाती है। मिहिराज जी ने सोचा कि क्यों किसी को व्यर्थ में मरवाना। तो मिहिराज जी ने वहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए, किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए झूठ बोला। उन्होंने कहा कि नहीं सुल्तान, मैं किसी से मिला नहीं, मैंने 2 महीने से प्रयास तो किया लेकिन मैं प्रयास इस तरह से कर रहा था कि मैं सीधे आपसे मिल सकूं। अब सुल्तान ये जानता है कि मिहिराज जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो इस बात को लेकर के खुश हो गया कि हिंदुस्तानी कितने दयालु होते हैं कि जिन लोगों ने 2 महीने तक इस बंदे को परेशान किया और उसको भी ये बचाना चाह रहे हैं। अगर कोई हमारे देश का व्यक्ति होता तो तुरंत पकड़वा देता, तुरंत फांसी दिलवा देता और कहता कि इसने मुझे परेशान किया है। तो ये फ़र्क होता है भारतीयों में। तो अब वो खुश हुआ, खुश होकर के अपने सैनिकों को कहा और एक आदेश पत्र लिख करके दिया शेख सालेह के नाम का कि शेख सालेह, मेरे इस आदेश पत्र को पढ़ते ही तूने अगर मिहिराज जी की संपत्ति वापस नहीं की तो मैं तुम्हें, तुम्हारे खानदान के साथ में, तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार के साथ में इस दुनिया से उठा दूंगा, तुम्हारे जड़ मूल को मैं समाप्त कर दूंगा। अब मिहिराज जी उन सैनिकों के साथ गए, वहाँ जा कर के शेख सालेह को वो चिट्ठी दी और शेख सालेह ने जो ताला लगाया था, जो कुर्की की थी, उसको खुलवा दिया, मिहिराज जी को वापस दे दिया। लेकिन वो अभी ये नहीं चाह रहा था, वो सोच रहा था कि किसी भी तरह से अगर ये धन मेरा नहीं हुआ, ये संपत्ति मेरी नहीं हुई तो फिर इनकी भी ना हो। इसलिए उसने अपने सैनिकों के माध्यम से उस गोदाम में आग लगवा दिया। अब इधर क्या हुआ था कि खेता भाई के शरीर छोड़ने के तुरंत पश्चात, उनके देह त्याग के तुरंत पश्चात, मिहिराज जी ने सद्गुरु महाराज और गांगजी भाई के नाम पर पत्र लिख करके भेजा था कि इस तरह से यहाँ पर ऐसी घटना हुई है और यहाँ बहुत सारा काम है, मेरे से अकेले नहीं हो सकता, इसलिए आप कृपया बिहारी जी और श्याम जी को यहाँ भेज दीजिए मेरी सहायता के लिए। अब चिट्ठी भारत पहुँचने में और फिर भारत से, क्योंकि मिहिराज जी को स्वयं पहली बार जाने में 40 दिन लगे थे तो उनको काफ़ी लंबा समय लग गया, और इतने में इतनी सारी घटना हो चुकी थी और गोदाम में आग भी लग चुकी है। अब सारी संपत्ति जल करके समाप्त हो गई, थोड़ा बहुत जो बचा था गोदाम के अंदर वो संपत्ति और जो कुछ लोगों के पास बचा हुआ था, मतलब कुछ लोगों से धन वसूलना बाकी था, बस उन्हीं की आशा थी कि अगर उनसे मिल जाए तो थोड़ा बहुत भी हो जाए सुंदर साथ की सेवा। मिहिराज जी की चिट्ठी को प्राप्त करके श्याम जी और बिहारी जी पहुँचे, अरब में जाकर के मुलाकात की, और वहाँ जाकर के मुलाकात के पश्चात मिहिराज जी ने जो भी संपत्ति बची हुई थी सारी संपत्ति उनको ला करके दे दिया, बिहारी जी और श्याम जी को। अब उन्होंने रोजनामा देखा, बिहारी जी और श्याम जी ने, रोजनामा का मतलब हिसाब किताब, बही खाता जिसको कहते हैं, कि किसको कितना दिया है, किसको कितना लेना है या लिया गया है। अब हिसाब किताब किया, हिसाब किताब में तो अब दिखेगा ही गड़बड़ी दिखेगी क्योंकि संपत्ति में तो आग लग चुकी है। लेकिन ये पहले से ही मिहिराज जी से चिढ़ते थे, बिहारी जी और श्याम जी, क्योंकि नस्ली पुत्र होने के बावजूद भी, अर्थात देवचंद्र जी के सगे बेटे होने के बावजूद भी, देवचंद्र जी जितना प्रेम मिहिराज जी से करते थे, जितना सम्मान अथवा जितना लगाव मिहिराज जी के साथ था, उतना विश्वास, उतना लगाव बिहारी जी के साथ नहीं था। जहाँ मिहिराज जी का सारा ध्यान सुंदर साथ की जागृति में, स्वयं की जागृति में और राज्य की सेवा में थी, वहीं पर बिहारी जी का पूरा ध्यान सिर्फ मायावी सुखों को भोग करने में ही था। बचपन को सिर्फ खेल कूद करके बिता दिया और उसके बाद अब बड़े भी हो गए तो बड़े होने के बाद उनका पूरा ध्यान इसमें है कि किस तरह से मिहिराज जी को और सुंदर साथ की नज़रों में नीचा दिखाया जाए।
तो इसीलिए उन्होंने आकर के बालबाई जी से, उनकी अब्बुआ लगती थी, उनसे चुगली की और चुगली करते हुए ये कहा कि मिहिर राज जी ने जो बात कही ये सब जलने वलने की ये सब बातें झूठी हैं, उन्होंने हो सकता है कि उधर ही उधर हमें खबर मिलने से पहले अपने घर में भेज दिया हो सारी संपत्ति। ऐसा आरोप लगा करके बालबाई जी को चुगली करी। बालबाई जी ने जा करके जाम राजा के कान भरे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कान का कच्चा होता है तो फिर उससे ऐसी क्रिया हो जाती है, ऐसा काम हो जाता है कि उससे कई बार बहुत अधिक नुकसान भी हो सकता है। ये दोनों भाई तो आ चुके हैं, मिहिर राज जी ने कुछ लोगों से जो वसूली करनी थी वो वसूली की, वो धन वापस लिया। वो धन लेकर के अब मिहिर राज जी भी उनके पीछे पीछे आए कुछ दिनों के पश्चात, लेकिन बालबाई जी की चुगली के कारण जाम राजा ने पहरा लगा रखा है कि अगर मिहिर राज वापस आए तो उनके पास जो संपत्ति है, बालबाई जी ने कहा था कि वो उस धन में, जो धन मिहिर राज लेकर के आने वाले हैं उस पर मिहिर राज का कोई अधिकार नहीं है, और वो धन अगर हमारा नहीं हो सकता तो उसका भी नहीं होना चाहिए। अब राजा को क्या चाहिए? राजा ने सैनिकों को आदेश दे रखा था, मिहिर राज जी जैसे ही पहुंचे तो वो जो धन मिहिर राज जी लेकर के आए थे वो भी वापस राजा के खजाने में चला गया। माया के कार्यों के द्वारा केवल मायावी भावना से कमाई गई संपत्ति थी वो। जैसे हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में एक कहावत कही जाती है कि जो पानी से कमाया होता है वो पानी में ही चला जाता है। शायद ये दृष्टांत आप सबने सुन रखा होगा कि एक बार एक दूध का व्यापारी था, उसने सोचा कि मुझे धन अधिक कमाना है तो दूध में मिलावट करना शुरू किया। वो जाता था तालाब में और तालाब में जा करके आधे दूध में आधा पानी मिलाता था। अब उसके अलावा और कोई दूध का व्यापारी ही नहीं था तो लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं था, इसलिए लोग उसी से दूध खरीदते थे। लेकिन उस दूध से जो पैसा कमा रहा था उसमें तो आधा पैसा तो पानी का था। एक दिन, चूँकि आजकल की तरह कैश में रुपए में लेन देन पहले नहीं होता था, पहले आज भी वैसे तो उधारी चलती है, तो उस व्यक्ति ने एक महीने तक दूध बेचा, एक महीने के बाद सबसे पैसा वसूल करके आ रहा था, और पैसा उसने अपने साइकिल पर रखा हुआ था एक झोले में। उसको लघु शंका की इच्छा हुई, साइकिल एक जगह पर खड़ी करके लघु शंका के लिए चला गया। पेड़ से एक बंदर आया, और बंदर रोज उस व्यक्ति को देखा करता था कि ये आधा दूध डालता है एक बर्तन में और फिर पानी आधा डालता है। उसने झोला खोला और झोले में से पैसा आधा निकाल करके पानी में फेंक रहा है और आधा निकाल करके सड़क की तरफ फेंक रहा है। तो क्या हुआ उसके साथ? आधे जो नोट थे, आधे जो पैसे थे, सारे पानी में गीले हो गए और खराब हो गए, चलने योग्य नहीं रहे। उस व्यक्ति को पश्चाताप हुआ कि जो पानी से, जितना पैसा मैंने पानी से कमाया था वो सारा पैसा तो पानी में ही चला गया। तो खेता भाई ने भी राज्य की सेवा के लिए तो वो धन कमाया नहीं था, उनके अंदर तो केवल भौतिक इच्छा थी, इसलिए उस धन के द्वारा सुंदर साथ की सेवा नहीं हो पाई और जो बचा खुचा था वो भी राजा के खजाने में चला गया। लेकिन मिहिर राज जी को उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण तो था नहीं कि इन्होंने चोरी की है। मिहिर राज जी आ रहे थे, अब इस बात की खबर पहुंची, इस बात की भनक पहुंची कि मिहिर राज जी आ रहे हैं, तो बालबाई जी ने, बालबाई जी के कान भरे फिर से श्याम जी ने और बिहारी जी ने, क्योंकि वे सोच रहे हैं कि अगर मिहिर राज जी देवचंद्र जी से मिल लेते हैं तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी, पहले क्या हुआ था सारी घटनाओं का पता चल जाएगा और हमारी बुराई होगी, इससे अच्छा ये है कि हम मिहिर राज जी को देवचंद्र जी से मिलने ही ना दें। इसलिए बालबाई जी को पहले उन्होंने उकसाया, बालबाई जी ने जाकर के देवचंद्र जी को कहा कि आप मिहिर राज का प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे और उनसे बात नहीं करेंगे, और अगर आप उनसे बात करेंगे तो मैं कुएं में कूद करके अपनी जान दे दूंगे। अब देवचंद्र जी क्या करें? देवचंद्र जी ने सोचा कि वैसे तो बालबाई जी भी सुंदर साथ हैं, भले ही जीव के भाव से
प्रेरित होकर के जीव भाव से ग्रसित होकर के अभी ये मायाजन्य बातें करने लग गए, क्योंकि पहले यही बालबाई थी जो मिहिरराज जी को देवचंद्र जी की पहचान करा रही थी। मिहिरराज जी को बचाने के लिए ही बालबाई जी ने ही कहा था कि इनको माया के कार्य में कुछ समय के लिए लगाइए, लेकिन अब जीव भाव से ग्रसित हैं। और न केवल यही कारण नहीं है, सिर्फ बालबाई जी जीव के भाव से ग्रसित हैं ये कारण नहीं है, इनके पीछे सबसे विशेष कारण तो यही है क्योंकि जिस तन से आगे लीला होनी है उस तन को उतना ही मजबूत बनाना है, कठोर बनाना है। जिस हृदय में राज्य को विराजमान होना है उस हृदय को वैसा ही पात्र बनाना है, इसलिए मिहिरराज जी के साथ में ऐसी लीला होती है। अब मिहिरराज जी जब आए, देवचंद्र जी चादर ओढ़ करके लेटे हुए हैं, आकर के प्रणाम किया तो ये भी नहीं पूछा कि कौन हो तुम, किसी भी तरह से उत्तर ही नहीं दिया। अब मिहिरराज जी को लगा कि कोई ना कोई बात मेरे विरुद्ध में कोई ना कोई बात तो अवश्य हुई है, वहाँ से दुखी होकर के गए और दुखी होकर के जाकर अपने घर में रहने लग गए। अब प्रतिदिन तड़पते हैं वियोग में, लेकिन मिहिरराज जी सोचते हैं कि अब जब तक सद्गुरु महाराज नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊँगा। अब देवचंद्र जी के अंदर भी ये इच्छा है कि मिहिरराज जी को स्वयं आ जाना चाहिए, एक इतनी सी छोटी सी घटना से दुखी होकर के ऐसे नहीं रहना चाहिए। और मिहिरराज जी ने तो सोच लिया है कि जब तक सद्गुरु महाराज नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अब मिहिरराज जी ने जो वियोग किया था, खट ऋतु ग्रंथ के अंदर हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग ऋतु में कैसे इंद्रावती जी की आत्मा वियोग करती है राज्य के लिए। एक विरहिणी की व्यथा का, विरह वेदना का वर्णन किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए प्रेमी और प्रेमिका अगर साथ में हैं, दोनों का साथ एक दूसरे को प्राप्त हो रहा है, तो चाहे मौसम कैसा भी हो वो सुहावना लग सकता है, लेकिन एक विरहिणी के लिए आकाश से हो रही वर्षा, वर्षा ऋतु सामान्यतः सबको प्रिय है, लेकिन एक विरहिणी के लिए आकाश से हो रही वर्षा में जो जल की एक एक बूंद गिरती है उसको लगता है कि धरती पर अग्नि की वर्षा हो रही है, उसके लिए तो वो पीड़ादायक है। सर्दी की जो भयानक सर्दी की रातें भी उसको जलाने वाली, उसको दाहकता वाली प्रतीत होती है। तो हर अवसर पर, चाहे वो होली के उत्सव का अवसर हो, चाहे वो दशहरा दिवाली के उत्सव का अवसर हो, हर अवसर पर इंद्रावती जी विरह करती हैं कि हे धामधनी, आज होली का दिन है, होली के दिन प्रत्येक सुंदर साथ प्रेम पूर्वक आपको रंग लगा रहा होगा, लेकिन मैं कितना अभागी हूँ, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपसे दूरी सहन करनी पड़ रही है। दीपावली के अवसर पर भी विरह करते हैं कि दीपावली के दिन हर जगह पर दीपक के माध्यम से उजाला हो रहा होगा, लेकिन मेरे तो भाग्य में ही अंधेरा है जिससे कि मैं अभी आपसे अलग हुई हूँ। हर अवसर पर उन्होंने विरह किया है जिसका वर्णन खट ऋतु ग्रंथ में है। अब एक दिन क्या हुआ, देवचंद्र जी के यहाँ से आने के बाद 2 साल तक मिहिरराज जी सांवलिया ठाकुर के घर पर रह रहे थे, उनके साथ में रह रहे थे। एक दिन उनकी स्वयं की भाभी ने, अर्थात सांवलिया ठाकुर की पत्नी ने ताना मारा। एक कहावत कही जाती है कि मेहमान कुछ दिनों के ही अच्छे होते हैं। अब मिहिरराज जी भी, क्योंकि चाहे सगा भाई हो, चाहे संसार का कितना भी सगा संबंध हो, अपने परिवार के अतिरिक्त किसी दूसरे के वहाँ पर जाता है तो वो मेहमान के रूप में ही होता है, तो कुछ दिनों तक ही अच्छे लगते हैं। अब भाभी ने सोचा और ताना मारा कि मिहिरराज, जिस सद्गुरु के लिए तुमने अपने इस भाई को मारने की कोशिश की थी, आज उसी सद्गुरु ने तुम्हें नकार दिया है, उसी सद्गुरु ने तुम्हें छोड़ दिया है, त्याग दिया है, और जिस भाई को तुम मारने के लिए दौड़े थे आज तुम्हें उसी के सहारे जीना पड़ रहा है। अगर तुमने उस दिन मारा होता, अगर तुमने अपने भाई को मार दिया होता, तो आज तुम किसके सहारे जीते।
अब भावी के जो शब्द के बाण हैं वो उनको लगे, तो अब वहाँ से छोड़ करके, वहाँ से उदास होकर के मेहरराज जी धरोल पहुँचे, और धरोल से फिर कला जी के पास पहुँचे, और कला जी के पास जाकर के उन्होंने रोजगार की मांग की कि मुझे आप कुछ समय के लिए काम दे दीजिए। तो कला जी के पास 2 साल रहे, 4 साल अरब में, और उसके बाद लगभग 5 साल अरब में रहते हैं, फिर 2 साल अपने भाई के पास, 2 साल कला जी के पास, और उसके बाद 8 महीने तक अहमदाबाद में रहते हैं। अहमदाबाद में भी उनको किसी राज्य कार्य से ही जाना होता है, और वहाँ से अहमदाबाद से आने के बाद उनके मन में एक प्रश्न होता है, मिहिरराज जी के मन में, कि जब मैं इतने दिन तक अहमदाबाद में रहा तो वहाँ राजा के सामने और राज दरबारियों के सामने बिना किसी कार्य के भी कई बार राजा से सुनना तो पड़ता ही होगा। आज के ज़माने में भी अगर कोई व्यक्ति किसी के यहाँ पर नौकरी करता है तो कई बार बिना गलती के भी सुना देता है। हम उसका काम कर रहे हैं, काम के बदले में पैसा ले रहे हैं, फिर भी हमें अतिरिक्त डांट सुननी पड़ती है, अपमान सहन करना पड़ता है। मिहिरराज जी ने सोचा कि इन संसार के लोगों की डांट खाने से तो बेहतर है, इनके आगे सिर झुकाने से बेहतर है, कम से कम मेरे अंदर भी जो अहम है एक तरह का, कहीं ना कहीं बीज रूप में ही सही, जिसके कारण सद्गुरु महाराज ने एक बार मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया तो मैंने भी ये प्रण कर लिया कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक सद्गुरु बुलाएंगे नहीं। जब मैं इन राजाओं के सामने झुक सकता हूं जिनके साथ मेरा कोई आत्मिक संबंध नहीं है, तो मैं धामधनी के सामने क्यों नहीं झुक सकता। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने मन को फटकार लगाई और फिर सोचते हैं कि अब मैं माया का ये कार्य नहीं करूंगा। अब मोसो दुनिया का होए नहीं व्यवहार, एक दिल एकांत में सेवो धनी निर्धार। उन्होंने सोचा कि अब मैं जा करके श्री राज जी की सेवा करूंगा, धामधनी की सेवा करूंगा। उन्होंने कला जी से कहा कि महाराज मुझे यहाँ से अब जाने की अनुमति दे दीजिए, अब मैं आपका ये कार्य नहीं कर पाऊँगा। कला जी ने भी कहा अच्छी तरह से कि मिहिरराज जी हम आपके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, तो हम आपको ये अधिकार सौंपते हैं कि आप अगर ये काम छोड़ना चाहते हैं तो अपने जैसा कोई योग्य व्यक्ति खोज करके लाइए और आपका कार्य उसको सौंप करके आप चले जाइए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आपको नहीं रोकेंगे। अब उधर श्री देवचंद्र जी की सुरता उस तन को छोड़ करके निकलना चाहती है और 5वें दिन की लीला शुरू करना चाहते हैं, अर्थात देवचंद्र जी का तन छूटने का समय आ रहा है। तो तन छूटने के समय में देवचंद्र जी सुंदर साथ को कहते हैं कि आप मिहिरराज जी को बुला करके मेरे पास ले आइए। बालबाई जी बुलाने के लिए आई, लेकिन अब चूंकि मिहिरराज जी के ऊपर वो जिम्मेदारी भी है, तो बालबाई जी ने आकर के कहा कि सद्गुरु महाराज ने आपको याद किया है। मिहिरराज जी ने कहा कि अच्छा, मेरा थोड़ा सा कार्य है वो समाप्त करके मैं आ रहा हूँ। उसके कुछ दिन के बाद में फिर बिहारी जी आए, लेकिन बिहारी जी ने ये नहीं कहा कि सद्गुरु महाराज बुला रहे हैं, उन्होंने कहा पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है तो औषधि के रूप में अंबर और कस्तूरी की आवश्यकता है। बिहारी जी की बात सुन करके उन्होंने उन दोनों औषधियों की व्यवस्था कर दी। बिहारी जी लेकर के चले गए और उन्होंने फिर मिहिरराज जी ने बिहारी जी को कहा कि मैं भी बस थोड़ा सा काम है उसको निपटा करके आऊँगा सद्गुरु महाराज के पास। अब उसके बाद देवचंद्र जी को रहा नहीं जा रहा था, उन्होंने बिहारी जी को फिर से भेजा कि आप जाकर के मिहिरराज जी को बुला करके लेके आइए। मिहिरराज जी फिर से गए, बिहारी जी फिर से गए मिहिरराज जी के पास और जाकर के फिर से कहते हैं कि सद्गुरु महाराज ने आपको याद किया है। लेकिन मिहिरराज जी का वो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। देवचंद्र जी ने कहा था कि तुम उस मिहिरराज को बुला करके ले आओ जो सिंधी भाषा में मेरे लिए भजन गाया करते थे, और वो भजन का भाव क्या था कि जान हुन कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मत्थन, मत्था मत्था कोड़ मुँह, मुँह मुँह कोड़ जिभन। जान हुन कोड़ धड़, अर्थात मेरे इस जीव में करोड़ों धड़ हों,
धड़ धड़ कोण मथन और एक एक धड़ में करोड़ों सिर हो, मत्था मत्था कोण मुंह, एक एक मथे में एक एक सिर में करोड़ों मुंह हो और मुंह मुंह कोण जिभन, प्रत्येक मुंह में करोड़ों जिह्वाएं हो। हितरा मीड़ी तो ही जा ताजे गुण गिनन, हितरा अर्थात इतना होने पर भी आपके गुण को गिनना संभव नहीं है, आपके एक गुण तक भी कोई नहीं पहुंच सकता है। भाल तो ही जे हिकड़ी पूजी ते न सगन, एक गुण तक भी कोई नहीं पहुंच सकता है, ऐसा भजन बनाकर जो गाया करते थे उस मिहिरराज को बुला करके लेके आओ। बिहारी जी फिर से गए और फिर से जाकर के कहते हैं, बाप को दुखत है कछु औषधि चाहिए इत, मेरे पिताजी को दर्द हो रहा है तो कुछ औषधि चाहिए। मिहिरराज जी ने औषधि देते हुए कहा कि मेरा थोड़ा सा कार्य अटक रहा है तो मैं किसी और को दे करके मैं आता हूँ। अब देवचंद्र जी के दिल में ये बात अटक रही है कि मिहिरराज जी आ क्यों नहीं रहे हैं। बिहारी जी कहते हैं कि आप तो बार बार उन्हें याद करते हैं, हम बुला बुला करके थक चुके हैं, आप बार बार याद करें लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। तो बिहारी जी को श्री देवचंद्र जी ने कहा कि मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन, मैं परम धाम के दरवाजे से अंदर तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक इंद्रावती जी उस दरवाजे पर, धाम दरवाजे पर खड़ी होकर के रो रही हैं। अब शारीरिक अवस्था ऐसी है देवचंद्र जी की कि जो भी देखने वाला हो उसको लगता है कि ऐसी अवस्था से तो शरीर छूट जाए वही अच्छा है, क्योंकि वृद्धावस्था में पहुँचने के बाद उस शरीर में अनेक प्रकार के रोग जो हैं वो घर कर जाते हैं और अनेक प्रकार की पीड़ा होती है, तो उनको भी शरीर छोड़ने की इच्छा होगी देवचंद्र जी को, तभी वो बार बार मिहिरराज जी को बुलाना चाहते हैं। अब देवचंद्र जी का वो कष्ट बालभाई जी से देखा नहीं गया, बालभाई जी ने जा करके देव मिहिरराज जी को डांट लगाई कि तुम्हें क्या हुआ है, इतने लोग बुलाने के लिए आए तुम क्यों नहीं आ रहे हो। मिहिरराज जी ने कहा कि मुझसे किसी ने ऐसे स्पष्ट रूप से कोई बात ही नहीं की, सिर्फ ये कहा था कि पिताजी सदगुरु महाराज याद कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि स्थिति सामान्य होगी तो मेरा भी यहाँ पर कुछ कर्तव्य था इसलिए मैं उसको पूरा करने में लग रहा था, लेकिन अब तो मैं तुरंत आऊँगा तो सारे कार्यभार को छोड़ करके वहाँ से विदा लेकर के मिहिरराज जी पहुँचे संवत 1712 में सावन महीने की अष्टमी में श्री देवचंद्र जी के चरणों में, और देवचंद्र जी के चरणों में आकर के उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करते ही श्री देवचंद्र जी ने पूछा कौन, मिहिरराज जी ने कहा मैं इंद्रावती जी की आत्मा आपको प्रणाम कर रही हूँ। अब देवचंद्र जी जो कि अत्यंत पीड़ा से गुजर रहे थे, मिहिरराज जी का नाम सुनते ही वो उस पल के लिए अपनी दर्द को अपनी पीड़ा को भूल गए और फिर खड़े होकर के वो बैठ गए और उसके बाद अब मिहिरराज जी से बातें करने लग गए। अब इतने दिनों से वियोग है, लगभग 9 वर्ष की जुदागी है और 9 वर्ष की जुदागी के बाद में दोनों मिले हैं तो बातें बहुत सारी है, समय भी इतना अधिक नहीं है। देवचंद्र जी भी जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि ये शरीर छूट जाए और अगले तन में जागने की लीला हो अगले तन के द्वारा, तो अधिक से अधिक बातें करते हैं। आगे जागने के लिए दिशा निर्देश देना होता है, वो किस तरह से दिशा निर्देश देते हैं हम कल की चर्चा में सुनेंगे कि कैसे श्री देवचंद्र जी का धामगमन हुआ, धामगमन से पहले मिहिरराज जी को उन्होंने क्या क्या सिखापन दी और फिर श्री देवचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने के पश्चात अब मिहिरराज जी के ऊपर कैसी कसनी आती है, किस तरह से किस कार्य के लिए उन्हें जेल में जाना पड़ता है, वहाँ उनके साथ क्या क्या घटना होती है, कैसे उन्हें राज्य का दर्शन होता है और उसके बाद किस तरह से जागने की लीला, 5वें दिन की जागने की लीला आगे बढ़ती है, इसकी चर्चा सुनेंगे हम कल। अब समय पूरा होता है, चौपाई दो रही। नाम सुनत मिहिरराज को बड़ो जो पायो सुख, पूछा मिहिरराज आए तुम
बात करने लगे मुख, बात करने लगे मुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।